अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतों से और रहमतों से नवाजा है। हम उस रब का जितना भी शुक्र करें वो कम है। और इंसान के वजूद का एक एक रोम रोम मेरे रब ने तख्लीक किया है। और अगर मैं ऐसे सोचूं, मेरी आंखें ना हों तो मैं कैसे देखूंगी, मेरी जबान ना हो तो मैं कैसे अपनी बात कहूंगी, अगर मेरे जिस्म का कोई भी हिस्सा जब मेरा रब बना रहा होता है अगर कोई ना दे तो मैं किससे शिकवा करूं। लेकिन उसके राज हैं वो बेहतर जानता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह पाक को आपने सुना होगा, जाहिर सी बात हम बहुत सारी बातें इधर उधर से सुनते हैं और हमारे दिल को भी भाती हैं, ख़ास तौर पे जब कहते हैं अल्लाह पाक को बहुत पसंद है अस्तगफार करने वाले, अल्लाह पाक को बहुत पसंद है दुरूद पाक का विर्द करने वाले, और अल्लाह पाक को बहुत पसंद है कि उससे मांगने वाले, क्योंकि वो हमारे शहर के करीब है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, जाहिर सी बात है जो मिंबर पे बैठा है ना, मेरा यहाँ पर मैं बैठी हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छी बात आप तक पहुँचाऊँ, यानी कि इस सीट का हक अदा कर सकूँ, अवेयर कर सकूँ। इसमें बहुत सारे मेरे मॉर्निंग शो में सेगमेंट्स होते हैं हेल्थ के और डिफरेंट टैलेंटेड लोगों के दीनी तौर पे, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इस मेंबर की जो है ना वो तजलील ना करूँ। इस तरह बहुत सारे लोग अपने मेंबर पे बैठे होते हैं और बहुत सारे उनके फॉलोअर्स होते हैं, वो बहुत सारी बातें कहते हैं, लोग आँखें बंद करके उसको फॉलो करने लग जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी, हमारे लिए मेरे रब ने एक बेहतरीन किताब इलाही उतारी है, वो कुरान पाक। फिर जाहिर सी बातें हमारे पर एक पैगंबरों की माशाल्लाह बहुत सारे पैगंबर उतरे हैं जिन्होंने अल्लाह पाक का पैगाम हम तक पहुँचाया है, इसमें किसी तरह का भी दोराह नहीं। लेकिन कभी भी कोई बात दीनी लिहाज से जब की जाती है तो उसको मैं भी कहूँ तो, या कोई भी कहे जो मिंबर पे बैठा है जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हैं, तो ठीक है सुनिए, बहुत अच्छी बात उन्होंने डिलीवर की, अगर उसको मज़ीद तस्दीक की जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं। दीनी बात की कह रही हूँ, आम बातों की नहीं, क्योंकि उसमें गुना सवाब नहीं है ना। लेकिन अगर कुरान के हिसाब से वो कहे कि कुरान में ये आया है और अल्लाह पाक ने फरमाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ज़रूर उसकी दिल से मुतमईन होकर तस्दीक करें, क्योंकि वो एक इंसान ने आप तक बात डिलीवर की है, इसमें कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। अच्छी बात है आपको कोई बड़ा भी कुछ कहता तो, लेकिन अगर तस्दीक कर ली जाए, इसीलिए तो हमारे लिए रहनुमाई के तौर पे कुरान पाक नाजिल फरमाया। आज हम इस बात पर ज़रा मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि बग़ैर किसी तकलीद के, बग़ैर किसी मतलब इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेशन जो भी आप समझ रहे हैं, कि बग़ैर किसी रिसर्च के दीनी बात को आगे डिलीवर ना किया जाए। अगर आप बहुत सारे लोग हैं और किसी ख़ास बंदे पर यकीन करके उसकी बात सुनते हैं, फिर वो बग़ैर किसी तस्दीक के जस्ट के उसने कहा है आप आगे डिलीवर करें, ये अच्छी बात नहीं, दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से दीन की बात है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को ज़रा सा एहतियात करें। आज इस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहूँगी। और ऑफकोर्स जब दीनी मामलात आते हैं तो ऑफकोर्स ऐसा पर्सन मौजूद होना चाहिए जिसको इसकी नॉलेज हो, जिसने कुरान को सही तर्जुमे के साथ पढ़ा हो और कुरान के अंदर तमाम अल्फाजात और क्या क्या उतरा है, क्या बात नहीं कही गई, उसकी मज़ीद तस्दीक हो जाए। तो मैं चलती हूँ अपने प्यारे से, हमारे मेरे प्यारे भाई यहाँ पर बैठे हैं और दीनी लिहाज से ये वो बात बताएंगे कि आया कि जो अगर कोई मिंबर पे बैठा है और वो ये कहता है खुदा पाक ने फरमाया अपने नबी के ज़रिए और कुरान पाक में ये आया है, तो आया कि हमें वो फौरन सुन के आगे डिलीवर कर देना चाहिए, क्या हम उस गुनाह के मुर्तकिब तो नहीं होंगे, ये सारे सवालात करेंगे। तो यहाँ पर मौजूद है हकीम जुबैर अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र जी। बिस्मिल्लाह कीजिए, जो मेरी बात थी उसको डिलीवर की। बिल्कुल, आपने जो बात की है और मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि इस वक्त
चूँकि दौर है सोशल मीडिया का और इंटरनेट का और इस तरीके से बातों को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंचाने का, मोबाइल के ऊपर एक मैसेज आता है कि जी ये ख़बर आप 10 लोगों तक पहुंचा दीजिए, आपको इतना इतना सवाब मिलेगा, इस महीने की खुशखबरी दे दीजिए, आपको इतना इतना सवाब मिलेगा या जन्नत आपके ऊपर वाजिब हो जाएगी। अच्छा, नीचे रेफरेंस जब आप देखें तो कुछ भी नहीं लिखा होता, ठीक है, और अगर लिखा हुआ भी होता है तो जब उस रेफरेंस को उसकी ओरिजिनल बुक के अंदर देखा जाता है तो मालूम चलता है कि कहने वाले ने झूठा रेफरेंस दिया है। ये दीन कामिल है, ये दीन मुकम्मल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये दीन पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हो गया, कामिल हो गया, और इस दीन के अंदर ना तो कमी की गुंजाइश है ना ज़्यादती की गुंजाइश है। नबी अली सलातु वस्सलाम की ज़ात और हस्ती ऐसी है कि जिसकी बात बग़ैर किसी दलील के कबूल की जा सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद का जब हम मुताला करते हैं तो जो अतात हम पर लाजिम और वाजिब की है वो अल्लाह और उसके रसूल की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की। साथ फरमाया, व उलिल अम्र मिनकुम, तुम में जो अम्र वाले लोग हैं, हुक्म वाले लोग हैं, तुम्हारे हाकिम, तुम्हारे उलमाए किराम, उनकी भी अतात करो, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की अतात गैर मशरूत है, और अल्लाह के अलावा जो अतात है उलिल अम्र की उसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़र्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर आपस में किसी बात के ऊपर कोई टकराव हो जाए, आपस में किसी बात के ऊपर कोई बहस हो जाए, तो फिर क्या करना है, फिर दलील लानी है कुरान और हदीस से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह कहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह कहा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात कभी गलत नहीं हो सकती। नबी के अलावा कोई भी गैर नबी हो, कोई भी हो, नबी के अलावा कोई भी हो, उससे गलती के इम्कानात मौजूद हैं। जितने उलमा इकराम हैं, जितने मुफ्तियान इकराम हैं, जितने लोग हैं, जितने इमाम हैं, वो सब हमारे सर के ताज हैं, लेकिन बात उनकी मानी जाएगी वो जो बात कुरान और हदीस के मुताबिक हो। कोई ऐसा शख्स खड़े होकर कह दे कि ये बात करो, ये काम करो, एक टांग पे खड़े होकर पूरी रात नमाज पढ़ो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, तो उसकी इस बात को ढूंढने के लिए कुरान और हदीस की तरफ जाना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरे मौलवी ने कहा, मेरे इमाम ने कहा, मेरे बड़े ने कहा, मेरे सरपरस्त ने कहा और मैं वो बात मान लूँ, क्योंकि जैसे कि प्रोग्राम के शुरू में सभी ने कहा कि ये दुनियावी उमूर नहीं है, ये खालिस दीनी उमूर है जिनसे हमारी जन्नत और जहन्नम का सवाल है, जिससे हमारी आखरत अच्छी होगी या आखरत खराब होगी। तो दुनियावी उमूर के अंदर किसी के तजर्बात को आप यकीनन ले सकते हैं कि वो कहे कि ये मेरा तजर्बा है, आप इसको करके देखें, लेकिन दीनी मामलात के अंदर वो बात उस वक्त तक कबूल नहीं की जाएगी जब तक उसके ऊपर मोहर न लग जाए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात की या अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान की, नबी का कुरान, नबी अलैहिस्सलाम की बात हो या अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान हो, वो बात आंखें बंद करके कबूल कर ली जाएगी। लेकिन मेरे जैसे किसी आम आदमी की बात हो, चाहे वो कोई भी हो, कितना ही बड़ा मौलवी अल्लामा, कितना ही बड़ा पीर, कितना ही बड़ा हाकिम क्यों ना हो, अगर वो दीन से रिलेटेड कोई बात बता रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक टांग पे खड़े होकर पूरी रात कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा, तो उस मौलवी से ये पूछना कि मौलवी साहब आप ये जो बात फरमा रहे हैं कि एक टांग पे खड़े होकर कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, जन्नत मिल जाएगी, इसका सबूत कुरान और हदीस से कहाँ है? देखें, बात यह है कि नबी अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाजिल किया है, सूरह नजम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाते हैं, मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु यूहा। नबी अलैहिस्सलाम से कभी गलती के इम्कानात नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जबान से वही के फूल झड़ा करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम कोई भी बात अपनी जानिब से नहीं कहते, नबी अलैहिस्सलाम हर बात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से कहते हैं, लिहाजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से गलती नहीं हो सकती। नबी के अलावा कोई भी हो,
देखिए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अली सलातु वस्सलाम के साथी और सहाबा इकराम में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम और मर्तबा बहुत बुलंद है। एक दिन अल्लाह के नबी अली सलातु वस्सलाम के साथ बैठे हुए अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी अली सलातु वस्सलाम के पास एक साइल आया और आकर कहा, अल्लाह के नबी, मैंने रात एक ख्वाब देखा है और मैं उस ख्वाब की ताबीर जानना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी ख्वाब की ताबीर देते ही थे कि अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी, अगर इजाजत हो तो ख्वाब की ताबीर मैं दे दूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ठीक है अबू बकर, आपको इजाजत है, ख्वाब की ताबीर आप दे दें। अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब की ताबीर दी और ताबीर देने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कन्फर्मेशन ली कि अल्लाह के नबी, जो ख्वाब की ताबीर मैंने दी है क्या वो दुरुस्त है। अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, अबू बकर, आधी ताबीर दुरुस्त है, आधी ताबीर गलत है। ये कौन है? नबी अलैहिस्सलाम के सबसे करीबी साथी अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू बकर, आधी ताबीर दुरुस्त थी, आधी ताबीर गलत थी। अब इसमें दो पॉइंट समझने के। पहला नुकता, अगर ख्वाब की ताबीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट किसी से नहीं लेना पड़ता। क्यों? मा यंतिकु अनिल हुवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, इन हुवा इल्ला वहयू युहा। नबी वो बयान करता है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है। नबी की जबान पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहरा बिठाया हुआ है कि नबी की जबान से सिर्फ और सिर्फ वही निकलेगी। लेकिन कोई भी गैर नबी हो, वो बात सही भी कह सकता है, गलत भी कह सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर, आधी ताबीर दुरुस्त है, आधी ताबीर गलत है। दूसरी बात ये कि नबी को, पहली बात मैंने कहा कि किसी से कन्फर्मेशन लेने की जरूरत नहीं, और नबी जो बयान करेगा वो मिनो अन 101% दुरुस्त होगा। देखिए, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सहाबी हैं, और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु का इल्म इतना ज़्यादा वसी और बुलंद है कि एक बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया कि अब्दुल्लाह का इल्म तमाम के तमाम लोगों के नज़दीक बहुत ज़्यादा बुलंद है। यानी तमाम के तमाम उलमा इकराम एक तरफ उस वक्त के मौजूदा, और अब्दुल्लाह बिन मसऊद का इल्म एक तरफ। ये अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क गए। दमिश्क के अंदर एक बंदा इनको मिला मसला पूछने के लिए कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंसान का इल्म कोई भी हो, मुकम्मल नहीं हो सकता। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क गए और वहाँ पर एक शख्स मिला। उसने कहा, अब्दुल्लाह, मैंने एक लड़की से निकाह किया है, अभी रुख्सती नहीं हुई है। निकाह करने के बाद अब मसला यह है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरी जो पहली बीवी से औलाद थी वो और ये बच्ची जिससे मैंने निकाह किया है तकरीबन हम उम्र है, लिहाजा मैं सोचता हूँ कि इस लड़की को तलाक दे के इसकी माँ से निकाह कर लूँ। लॉजिक इसमें यह है कि जिससे मेरा निकाह हुआ है वो और मेरी बच्चियाँ तकरीबन हम उम्र हैं, तो वो आपस में मैनेज नहीं कर पाएंगी, खेल कूद में ही रहेंगी, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इसको तलाक दूँ और इसकी माँ से निकाह कर लूँ। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि देखें, जब आप लड़की को तलाक दे देंगे तो उसकी माँ से निकाह कर सकते हैं। ये फतवा देके अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना वापस पहुंचे। मदीना पहुंचे, तमाम के तमाम सहाबा इकराम मस्जिद नबी के अंदर मौजूद थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि क्यों ना मैं अपना फतवा सहाबा इकराम से डिस्कस कर लूँ, सहाबा इकराम के दरमियान पेश करूँ। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने सहाबा इकराम के सामने मसला रखा कि मैं दमिश्क किया, वहाँ एक मस्जिद के अंदर एक साहब मिले, उन्होंने ये मसला मुझसे पूछा कि एक लड़की से निकाह हो गया, लेकिन चूंकि उस लड़की की उम्र और मेरी जो साबिका बीवी से औलाद थी उसकी उम्र तकरीबन मिलती जुलती है, लिहाजा मैं चाहता हूँ इस लड़की को तलाक दे के इसकी माँ से निकाह कर लूँ। मैं फतवा देकर आ गया कि जब तलाक तुम दे दोगे तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, लिहाजा तुम उससे निकाह कर सकते हो। अब तमाम साहबा जो मौजूद थे, तमाम साहबा ने कहा, अब्दुल्ला, बात यह है कि आप गलत मसला बताकर आ गए। कौन? अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका इल्म अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि तमाम मौजूदा दौर के उलमा इकराम जो उस वक्त थे उन सबसे ज्यादा है। तमाम साहब ने कहा, अब्दुल्लाह, आप गलत मसला बताकर आ गए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस हमारे पास मौजूद है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस लड़की से एक बार निकाह हो गया उसकी माँ हमेशा के लिए हराम हो जाती है, यानी उससे निकाह नहीं किया जा सकता। तो बताने का मकसद ये है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे इतने बड़े सहाबी, अगर उनसे गलती के इम्कान मौजूद हैं, क्योंकि वो नबी नहीं है, क्योंकि वो पैगंबर नहीं है, एक जात एक हस्ती ऐसी है जिससे गलती नहीं हो सकती, वो जात वो हस्ती अल्लाह के नबी अली सलातु वस्सलाम की है। अच्छा, जुबैर भाई ने इतना माशाल्लाह
मैं ये कहूँगी इतनी डीपली और बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बात क्लियर कर दी कि जो लोग इधर से उधर बात दीनी लिहाज से सोशल मीडिया ने तो ये कहूँगी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेव्स बहुत ज़्यादा ओपन कर लिए हैं। और ये अक्सर होता है कि आप अभी अभी ये जो मेरी जो मैसेज आपने पढ़ा है और ये आगे फॉरवर्ड कर दें तो आपको ये खुशी मिलेगी, वरना आपके घर में ये मसला आ जाएगा तो लोग खौफजदा हो जाते हैं। अगर उन पर्सन से ये पूछा जाए कि इसके नीचे कोई रेफर है, कुछ रेफरेंस है, तो उसका कुछ उनको नहीं मालूम। अच्छा, हमारे पास ऑफ कोर्स डिफरेंट मसलक से लोग बिलोंग करते हैं और अल्लाह की इबादत सब करते हैं। मेरा रब कबूल करने वाले, पता नहीं उसको किसकी वजू बावजू किसकी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन हम लोग जब बात को डिलीवर करते हैं, आज जो टॉपिक हम लोगों ने स्पेशली हाईलाइट कर रहे हैं कि आगे बात ट्रांसफ़र करने से पहले उसकी तस्दीक कर ली जाए ताकि हमें पता चले कि हम जो बात आगे कर रहे हैं, क्योंकि जो बात अल्लाह की तरफ से आती है वो जब आगे जाती है तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा होता है। हम जैसे नमाज के बारे में कोई बात करें, हमें पूरा यकीन है कि फ़र्ज़ नमाज इस वक्त की इतनी होती हैं, बहुत सारी ऐसी छोटी, मैंने तो एक एग्जांपल के तौर पे बात की। अच्छा ज़ुबैर भाई, एक बात बताएं, अभी आपने कहा कि आगे बात हर कोई पर्सन कुरान को खोल के नहीं देखता, उसके अंदर बहुत सारे पैगंबराने दीन का मोहम्मद सल्लम पर जो नाजिल फरमाई गई और बहुत सारी बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पर बहुत सारी सूरतें, उसमें एक पूरी स्टोरी टाइप का हम जब रीड करते हैं, जो पता करते हैं कि ये और खुदा ने बार बार हमें ये बात बार आगाह किया है कि तुम किस फबी आइए आलाए रब्बी को मातु का जबान, देखा जाए तो रब बार बार बताता है कि तुम कैसे पैदा हुए, तुम कितने गलीज थे, तुम किस चीज़ से, तुम एक नुतफे से पैदा होने वाले एक बंदे हो और तुम्हारी क्या औकात है और तुम मेरी किस किस नेमतों का शुक्र करोगे जो मैं तुम्हें। अल्लाह पाक की इस किताब को हर बंदा कैसे पढ़ सकता है आसानी के साथ, ये बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, और उससे पहले एक बात मैं कहूँ कि जो सभी ने कहा कि बिल्कुल मुख्तलिफ मसालिक से लोग बिलोंग करते हैं, सब काबिल एहतराम हैं, सब काबिल इज्जत हैं, लेकिन जब हम यहाँ टीवी चैनल के ऊपर बैठते हैं और लोगों से मुखातिब होते हैं तो बिलीव कीजिए उस वक्त हम किसी भी मसलक के यानी वो नहीं होते, नुमाइंदे नहीं होते, हम कुरान और हदीस के नुमाइंदे होते हैं, क्योंकि मसालिक जितने भी हैं वो सब हमारे हैं। अब कई मसलक के मानने वाले, किसी के नज़दीक कोई मसला, किसी के नज़दीक कोई मसला, लेकिन जब यहाँ से पैगाम डिलीवर किया जाता है वो पैगाम खालिसतन कुरान और हदीस होता है, ताकि जितने भी मसलक के मानने वाले हैं उन सब के लिए वो एक कानून हो, चूँकि मसालिक अलग है, किसी के नज़दीक कोई चीज़ अहमियत की हामिल है, दूसरे के नज़दीक नहीं है, लेकिन कुरान और हदीस सब के नज़दीक बिलते इत्तेफाक एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर एतमाद और इत्तेफाक किया जा सकता है। और यही वजह है कि कुरान और हदीस अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इंतकाल से कुछ दिन कबल नबी अलैहिस्सलाम ने एक वसीयत फरमाई थी, फरमाया तरक तो फीकुम अमरन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि वस्सुन्नती, लोगों मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ अपने बाद, तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम कभी भी गुमराह ना होने पाओगे मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि वस्सुन्नती, जब तक तुम चिमटे रहोगे कुरान और हदीस से। तो कुरान और हदीस एक ऐसी किताब है जो सब के लिए बिलइत्तेफाक एक बेहतरीन किताब, बाएतबार किताब, तो उसकी बात अल्हम्दुलिल्लाह जब आप तक पहुंचती है तो वो सब के लिए बेहतरीन होती है। अल्लाह ने कुरान में खुद इसी की पकड़ने को कहा, वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअ, लोगों तुम सब मिलकर, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हरी पगड़ी बांधता होगा, कोई सफ़ेद बांधता होगा, कोई अपने आप को किसी मसलक से कहता होगा, सब के सब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं, इन सब को अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ, लोगों तुम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के परचम तले यानी कुरान और हदीस के परचम तले जमा हो जाओ। कुरान से मुस्तफ़ीद कैसे हुआ जाए, सब के सब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले इस कुरान से मुस्तफ़ीद कैसे हों। जो हदीस मैंने पढ़ी उस हदीस के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो ही चीज़ों, नबी अलैहिस्सलाम ने दो ही चीज़ों को ज़रिया निजात बयान किया है, वो है कुरान और हदीस। कुरान और हदीस को जो थाम लेगा, कुरान और हदीस को जो पकड़ लेगा, बिलीव कीजिए वो कभी भी गुमराह नहीं होगा, बल्कि इस कुरान के ज़रिए से तो अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों को बुलंदी तक लेकर जाता है। मैं अभी एक वाकया पढ़ रहा था, एक शाम के अंदर, मुल्क शाम के अंदर तिजारती हवाले से पूरी दुनिया से लोगों का आना जाना था। अब मुल्क शाम के अंदर एक शख्स आया, इसका नाम था सलाम बिन जुबैर,
कुरान की अजमत का बता रहा हूँ कि कुरान किस तरीके से इंसान को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाता है। ये सलाम बिन जुबैर, ये जब पहुंचे शाम के बाजार के अंदर, इन्होंने कई चीजें परचेज की कि मदीना के अंदर आके वो चीजें मैं फरोख्त करूंगा। अब इनके पास कुछ रकम बच गई, बहुत ही मामूली सी रकम इनके पास बची। अब इन्होंने कहा कि यार ये जो पैसा बचा हुआ है ये भी कहीं इन्वेस्ट कर दूं, इससे भी कोई चीज खरीद लूं ताकि मदीना जाके इसको मैं बेच के इसके भी प्रॉफिट कमा लूं। वहां एक गुलाम बिक रहा था, उसका नाम था सालिम। वो गुलाम इंतहाई कम कीमत में बिक रहा था। सलाम बिन जुबैर ने उस गुलाम को खरीद लिया, चूंकि इनके पास मामूली कीमत मौजूद थी और गुलाम मामूली कीमत में बिक रहा था। जब इन्होंने इस गुलाम सालिम को खरीद रहे थे, इन्होंने उसके मालिक से, जो गुलाम का मालिक था, उसको कहा कि ये इतनी हकीकी कीमत में क्यों बिक रहा है, गुलामों की कीमत तो इससे ज्यादा होती है। उसने कहा, हुजूर मैं बिल्कुल साफ सी बात बता देता हूँ कि ये गुलाम बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल निखट्टू है, इसका कोई कमाल नहीं, बिल्कुल यानी किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको कम कीमत में बेच रहा हूँ। तमाम बातें जानने के बावजूद सलाम बिन जुबैर ने उस गुलाम सालिम को खरीद लिया। खरीद के ये मदीना पहुंचे और मदीना पहुंच के जो इन्होंने सामान तिजारत शाम से खरीदा था वो तो फौरी तौर पे फरोख्त हो गया। ये गुलाम सालिम, ये पैसा इनका गुलाम की सूरत में फंस गया, क्योंकि इस गुलाम को कोई खरीदने वाला नहीं था, क्योंकि इसके अंदर कोई सिफात, कोई क्वालिटीज़ नहीं थी। रोज़ाना सालिम बिन जुबैर सलाम बिन जुबैर सालिम को बाजार लेकर आते, मदीना के फिर घर ले जाते, इस तरह 8-10 दिन गुजर गए। एक खातून थी मदीना के बाजार में, वो आती थी कुछ शॉपिंग के लिए, उनका नाम था सबीता। सबीता के माना है बावकार। ये सबीता जो खातून थी, इन्होंने देखा कि ये गुलाम को रोज आना लेकर आता है, फिर वापस ले जाता है, इस गुलाम को कोई खरीद नहीं रहा। लिहाजा सबीता सलाम बिन जुबैर के पास गई और जाकर पूछने लगी कि इस गुलाम में ऐसी क्या बुरी बात है कि कोई इसको खरीदता नहीं, हालांकि मैं देख रही हूँ कि रोज आना आप इसकी कीमत में कमी करते जा रहे, यानी कल जो कीमत थी आज कम कर दी, फिर अगले दिन और कम कर दी, इतनी हकीर रकम में भी इस गुलाम को कोई नहीं खरीद रहा, मैं वजह जानना चाहती हूँ। सलाम बिन जुबैर ने कहा, मोहतरमा वजह कुछ नहीं है, बस ये किसी काम का गुलाम नहीं है, यानी किसी काम नहीं आता, बिल्कुल निखट्टू सा है, ऐसा है वैसा है, और इसके अंदर कोई भी सिफात नहीं है कि किसी को ये गुलाम पसंद आए। सबीता ने कहा कि ये भी तो किसी की औलाद होगी, ये भी तो किसी का बेटा होगा, चलो एक काम करती हूँ, मैं खुदा तरसी में इसको खरीद लेती हूँ। अल्लाह। सबीता ने उस गुलाम को खरीद लिया। गुलाम को खरीदने के बाद वो घर ले गई, उसको शफकत दी, उस बच्चे को प्यार दिया, उसको परवान चढ़ाया, खूब अच्छी गिजा खाने के बाद, शफकत मिलने के बाद, खानदान घर मिलने के बाद, ये जो गुलाम जिसका नाम सालिम था, ये परवान चढ़ा और खूब ताकतवर, दानिशमंद, अकलमंद साबित हुआ। उसके बाद मक्का का एक ताजर था, अबू हुजैफा उसका नाम था, वो भी शाम गया तिजारत के लिए, सामान खरीदा, सामान खरीद के उसको मक्का जाना था, तो मदीना में उसने पड़ाव डाला। मदीना के अंदर वो कुछ दिन के लिए पड़ाव डाल के रुक गया। अब वहां पर इस खातून सबीता के चर्चे हो रहे थे, मदीना के अंदर इस खातून सबीता के चर्चे हो रहे थे कि कैसी नेक बंदी है जिसने एक गुलाम को खरीदा और बेटों की तरह रखा और उसको खिला पिला के, परवरिश करके, मोहब्बत दे के परवान चढ़ाया, बड़ी अच्छी औरत है। अबू हुज़ैफ़ा ने जब इस लड़की सबीता के इतने किस्से सुने तो इसके घर पे रिश्ते का पैगाम भेज दिया। इसके घर वालों ने रिश्ता कबूल कर लिया। कबूल करने के बाद सबीता का निकाह हो गया अबू हुज़ैफ़ा के साथ, जो कि मक्का का रहने वाला था। निकाह हुआ है मदीना के अंदर। अब निकाह के बाद अबू हुज़ैफ़ा सबीता को लेके चले गए मक्का। मक्का जब पहुंचे तो वहां पर उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु रहा करते थे, क्योंकि अबू हुज़ैफ़ा भी बिजनेसमैन, कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े ताजर, और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बिजनेसमैन, एक बड़े तबके से ताल्लुक़ रखने वाले। अबू हुज़ैफ़ा ने कहा कि यार मैं नोट कर रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ कि बहुत दिनों से उस्मान और मेरे दरमियान फासला है, उस्मान मुझसे मिलते नहीं हैं, उस्मान का वो रवैया, वो एटीट्यूड नहीं है, पहले जो हमारी गपशप थी, बैठक थी, बड़ा मज़ा करते। लिहाजा अबू हुज़ैफ़ा ने फैसला किया कि मैं उस्मान के घर पर जाऊंगा और इस दूरी, इस फासले के सबब पूछूंगा। अबू हुज़ैफ़ा उस्मान के दरवाजे पर पहुंचे कि उस्मान क्या बात है, अब वो पहले वाली बात नहीं रही, अब याराना नहीं रहा, वो फ्रेंडशिप नहीं रही, वो दोस्ती नहीं रही। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने सीधी बात की, कुरान ने भी कहा ना, वकूलु कौलन सदीदा, बात सीधी और साफ सुथरी करो। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने कहा, हुज़ैफ़ा बात यह है कि
तू लात और मनात का मानने वाला और मैं एक खुदा का मानने वाला। अबू हुज़ैफ़ा को धचका लगा कि ये क्या बोल रहे हो। अबू हुज़ैफ़ा ने उस्मान से पूछा कि ये क्या बात हुई। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि एक नबी आया है, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसकी दावत है कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह, कि एक अल्लाह है, वही माबूद, वही हाजत रवा, वही मुश्किल कुशा, वही बिगड़ियों का बनाने वाला, मैंने उस अल्लाह के आगे सजदा करता हूँ और तू लात मनात के आगे, लिहाजा हमारे दरमियान अब डिस्टेंस होगा, अब फासला होगा। अबू हुज़ैफ़ा ने जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात सुनी, कहा कि उस नबी से मुझे भी तो मिलवाओ, मैं भी तो देखूँ उसकी तालीमात क्या है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फौरन ले गए अल्लाह के नबी की खिदमत में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुज़ैफ़ा के सामने दीन का प्रचार किया, कुरान पढ़ के सुनाया, कुरान ऐसा असरअंदाज हुआ कि अबू हुज़ैफ़ा वहां से कलमा पढ़ के उठे। सुभान जब कलमा पढ़ के उठे अपने घर पहुंचे, घर पर बीवी जो सबीता थी उसने देखा कि अबू हुज़ैफ़ा बड़ा खुशबाश नजर आ रहा है, बड़ा अच्छा हुलिया इसका, बड़ा जबरदस्त महसूस कर रहा है। बीवी ने पूछा, अबू हुज़ैफ़ा ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे अंदर इतना बड़ा बदलाव और ज़हनी तौर पे बहुत फ्रेश और खुश नज़र आ रहे हो। अबू हुज़ैफ़ा ने कहा कि बात यह है मेरी बेगम कि मैं इस्लाम कबूल करके आ रहा हूँ और इस्लाम की तालीमात ये है। सबीता बड़ी मुतासिर हुई इस्लाम की तालीमात से, उसने कहा कि फिर मैं भी इस्लाम कबूल कर लेती हूँ। सबीता ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। अब सबीता जो है ये पहुंची नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। उस दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो स्पीच कर रहे थे वो तकरीर ये थी कि गुलामों को आज़ाद करने का फ़ायदा क्या है, गुलामों को आज़ाद करने का सवाब क्या है। सबीता ने तकरीर सुनी, बड़ी मुतासिर हुई, घर गई, अपने गुलाम सालिम को आज़ाद कर दिया। अच्छा, सालिम आज़ाद होने के बाद और परेशान हो गया, सालिम आज़ाद होने के बाद परेशान हो गया। सबीता ने कहा, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सालिम ने कहा कि बात यह है कि ना मेरा कोई ख़ानदान, ना मेरा कोई कबीला, मैं कहाँ जाऊँगा? आपने मुझे आज़ाद तो कर दिया सवाब की उम्मीद पर, मैं कहाँ जाऊँगा? अबू हुज़ैफ़ा ने कहा कि चलो मैं ये मसला हल कर देता हूँ, आज से तू हमारा मुँह बोला बेटा है। अब ग़ुलाम से तो आज़ाद कर दिया लेकिन साथ तो रखना है, लिहाजा आज से तू हमारा मुँह बोला बेटा है। अब वहाँ पर जो आवाज़ लगने लगी, लोग अब सालिम को सालिम बिन हुज़ैफ़ा कहने लगे। अच्छा, सालिम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। सालिम को हुज़ैफ़ा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में छोड़ दिया कि तू नबी अलैहिस्सलाम के पास रहे और दीन को सीख। नबी अलैहिस्सलाम ने सालिम की ड्यूटी सिर्फ दीन सीखने पर लगा दी। जब मदीना से सहाबा इकराम माइग्रेट होके हिजरत करके जब मक्का से जब पहुँचे यहाँ पर, तो मुसलमानों के लिए एक इमाम चाहिए था। मुहाजरीन साहबा इकराम जब पहुंचे तो उनको मुसलमानों के लिए इमाम चाहिए था। हुज़ैफ़ा इन दिनों के अंदर कुरान को इतना सीख चुके थे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माइग्रेट मुहाजरीन जो साहबा थे उनका इमाम सालिम को मुकर्रर कर दिया। अब लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि सालिम जो कि गुलाम हुआ करता था आज मुसलमानों का इमाम बन चुका है। इसी तरह सलाम बिन जुबैर भी आया, जिसने शाम से सबसे पहले इस सालिम को खरीदा था। अब जब सलाम बिन जुबैर ने देखा कि ये शख्स के जिसको कोई खरीदने वाला नहीं था, ये शख्स जिससे कोई बात करने वाला नहीं था, जिसे मैंने शाम से चंद कौड़ियों के मोल खरीद के मदीना के बाजार में मैं रुल गया था इस गुलाम को बेचने के लिए, कोई इसको खरीदता नहीं था, आज इस्लाम कबूल करने के बाद, कुरान का इल्म हासिल करने के बाद, कुरान पर अमल करने के बाद इसको मकाम और मनसब इतना बड़ा मिल गया कि मुसलमानों का इसको इमाम बना दिया गया। तो कुरान दर हकीकत इंसान की जिंदगी को तब्दील कर देता है, एक गुलाम को इमाम बना देता है, एक गुलाम को बादशाह बना देता है, बादशाह वक्त को अल्लाह वालों के कदमों में ढेर कर देता है कि इस कुरान का करिश्मा है, कमाल है। बेशक। अच्छा, कुरान की बात की जाए तो जब से ये कुरान नाजिल हम पर हुआ है, हमें अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जब हम इसे पढ़ना, उस वक्त से इसके अंदर कभी भी कोई भी तब्दीली नहीं आई। हम इसको पढ़ के ज़रूर तब्दील हो जाते हैं, हम अच्छी राह पे निकल जाते हैं, हमें रहनुमाई मिलती है, और बहुत सारी किताबें इलाही जैसे कुरान पाक है, लेकिन बहुत सारी और ज़बूर, इंजील, उनमें कुछ तब्दीलियां इन्होंने की हैं, लेकिन एक वाहिद हमारे लिए किताब इलाही है जो अभी तक उसका एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ जैसे उतरा है वैसे ही अभी तक है, कोई तब्दीली इसमें नहीं है। क्यों, आप इसको जरा सा तस्दीक कर दीजिए। तब्दीली आ भी नहीं सकती। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस चीज की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया हो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने ही इस किताब को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफिज हैं। जिस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया हो, उस किताब के अंदर कोई तब्दीली कर देना ये किसी के बस की हिम्मत है ही नहीं कि जिसका जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिया हो। कुरान दरहकीकत दरस इनकलाब है।
कुरान हिदायत की किताब है, जो शुरू में ही कह रहा है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये किताब वो किताब है जो बड़ों बड़ों की जिंदगियों को तब्दील कर देती है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिसके सामने कुरान पढ़ा, अभी हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़िया आपने सुना कि उनके सामने कुरान पढ़ा गया, अब हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तब्दील हो गया। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मारूफ वाक़िया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने कुरान पढ़ा गया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी तब्दील हो गई। ये कुरान दरहक़ीक़त दरस इनकलाब है, कुरान तब्दीलियों के लिए आया है, इंसान की जिंदगियों को तब्दील करने के लिए आया है, बशर्ते कि इंसान इस कुरान को समझ कर पढ़े। आज फुकदान इस बात का है कि इस कुरान को समझ के नहीं पढ़ा जा रहा, जिसकी वजह से ये जो मौजू हमने सेलेक्ट किया है अंधी तकलीद, लोगों के पीछे बगैर किसी दलील के उनकी बात को कबूल कर लेना, ये इसी सबब इसी की वजह सबसे बड़ी यह है कि कुरान को हम खुद से खोल के नहीं पढ़ते। ये सारा जिम्मा हमने मौलवियों के सुपुर्द कर दिया है कि जनाब आप कुरान को पढ़ें, आप कुरान को समझें। क्या कलमा सिर्फ मौलवी ने पढ़ा है? नहीं, कलमा मैंने भी पढ़ा है, मैं भी उसी तरह से इस दीन का दावेदार और ठेकेदार हूं जिस तरह से एक दीन का जानने वाला एक आलम दीन है। एक बार फिर खुश आमदेद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब, और गुफ्तगू हो रही है कि हम बिला तस्दीक के इस बात को हम ख़ास तौर पे दीनी बात को हम आगे डिलीवर करें तो इसमें बहुत सारे गुनाह ज़रबत, हम गुनाह के मुर्तकिब होंगे, वो आगे जैसे जैसे ट्रांसफ़र होगी तो हमें उससे ज़्यादा गुनाह मिलेगा जब तक इस चीज़ की तस्दीक ना की जाए। अगर जिसने डिलीवर की है अगर वो दिल उसका मुतमईन है, इसी तरह और लोगों को भी अपने आप से अल्लाह की तरफ रुजू करना हो कि ये बात कितनी जो है तस्दीक शुदा है या हमारे लिए कितना इसका फ़ायदा है नुकसान क्या है, तो कम अज़ कम कुरान को खोल के देख ले। कुरान हमारे लिए बेहतरीन रहनुमाई देती है हमें। और साथ साथ में एक बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक को सबसे नापसंदीदा फेल जो है वो है शिर्क, क्योंकि अल्लाह पाक वाहदहु ला शरीक है। इसके बारे में मैं हकीम ज़ुबैर अब्बासी से सवाल करूँगी। डॉक्टर हकीम साहब ये बताइएगा कि अक्सर हम लोग बहुत लोगों की रिस्पेक्ट में और बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं हमारे दिल में, चाहे वो ना हो, ऐसा हो, ऐसा नहीं कि हम उसको खुदा समझ रहे हैं लेकिन बहुत आगे निकल जाते हैं, तो ये क्या शिर्क के ज़ुमरे में नहीं आता? जी बिल्कुल, ये पहले हमारी बात एक मैं मुकम्मल कर लूँ तकलीफ के हवाले से जो आपने की थी, उसके बाद मैं इसका मुख्तसर जवाब दे के आगे चलता हूँ। देखिए, ये किसी की बात को बग़ैर दलील के कबूल कर लेना, ठीक है, इसी को तकलीद कहते हैं, और ये तकलीद दर हकीकत गुमराही है। और अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी हैं, और इनके पास एक दिन एक साहब आए और साहब ने आके एक सवाल किया, कहते हैं कि अबू मूसा मुझे मसला बताइए कि एक शख्स मर गया है और पीछे उसकी बहन बेटी और पोती, ये तीन हैं, तो अब इनके अंदर जायदाद की तकसीम किस तरह से होगी? अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि देखो, पोती चूंकि दूर का रिश्ता है लिहाजा बहन और बेटी के अंदर आधा आधा तकसीम कर दिया जाए। अब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मसला बताने के बाद एक बात कह दी कि देखो, मेरे पास इस वक्त हदीस रसूल मौजूद नहीं थी, मेरे इल्म में नहीं थी, लिहाजा मैंने अपनी दानिश से ये फतवा दिया है, इस फतवे की कन्फर्मेशन जाकर ले लेना, तस्दीक जाकर ले लेना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, क्योंकि वह हमें बड़े साहबी हैं। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फतवा इस शख्स ने जाके अब्दुल्लाह बिन मसऊद के आगे रखा कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फतवा दिया है और साथ ये तलकीन की है कि मेरे पास चूंकि हदीस रसूल मौजूद नहीं थी, मैंने अपनी दानिश से एक मसला जो समझ में आया मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इस फतवे की तस्दीक करना अब्दुल्लाह बिन मसऊद से। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो अल्फाज कहे वो कीमती अल्फाज हैं, वो ज़रा गौर से समात अगर मैं और आप फरमा लें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार लें तो यकीनन कामयाबी होगी। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि देखो, अगर वही बात जो अबू मूसा अशअरी ने कही हदीस रसूल होने के बावजूद, क्योंकि मेरे पास हदीस रसूल है, अब्दुल्लाह बिन मसऊद ने कहा मेरे पास अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फतवा है और उस फतवे की रोशनी के अंदर अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मसला बताया है वो हदीस के मुताबिक नहीं है, लेकिन
मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु अगर वही फतवा जो अबू मूसा अशरी ने दिया हदीस रसूल सामने आ जाने के बाद मैं भी वही फतवा दूं तो मेरी गुमराही के लिए काफी होगा। ये नहीं कहा कि अब्दुल्लाह बिन अबू मूसा अशरी गुमराह हो गए, ये नहीं कहा। अबू मूसा अशरी के पास हदीस नहीं थी, उन्होंने साफ कहा कि मेरे पास इस मसले में इस वक्त मेरे इल्म में हदीस नहीं है, चूंकि इंसान का इल्म बहरहाल महदूद है, इंसान का इल्म कम है महदूद है। लेकिन अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास चूंकि हदीस रसूल मौजूद थी तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि अगर हदीस होने के बावजूद कि मेरे सामने हदीस मौजूद है फिर भी मैं वही फतवा दूं जो अबू मूसा अशरी ने दिया तो मेरी गुमराही के लिए काफी होगा। अब बात यह है कि एक इमाम, एक मौलवी, एक पीर साहब, उन्होंने अगर कोई बात कह दी और मुमकिन है उस वक्त उनके सामने हदीस रसूल मौजूद ना हो, मेरे सामने अगर हदीस रसूल आ चुकी है तो मेरे जिम्मे ये काम है कि मैं अंधी तकलीद से बचता हुआ कुरान और हदीस के ऊपर अमल करूं। देखें, एक किताब है तिर्मिज़ी, उसकी शरह है तकरीर तिर्मिज़ी, उसके अंदर एक मसला आया है बे और शरह का, खरीद और फरोख्त का। अब उस मसले के अंदर दो इमामों की राय को रखा गया, एक इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की, एक इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की। इत्तेफाक ये कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की जो राय थी वो हदीस की मुखालफत में जा रही थी, क्योंकि हमारा यही ईमान है, यही यकीन है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास उस वक्त हदीस रसूल मौजूद नहीं होगी, लिहाजा उन्होंने ये फतवा दे दिया। जबकि इमाम शाफ़ी ने जो मसला बयान किया बिल्कुल हदीस के मुताबिक था। लेकिन अंधी तकलीद क्या है, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नीचे लिखने वाले ने लिखा कि अलहक वल इंसाफ अन तरजीह अल शाफ़ी फी हाज़िहिल मसला बल नहनुल मुक़ल्लिदून अबी हनीफा, कि इस मसले के अंदर हम मानते हैं, एक्सेप्ट एडमिट करते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की राय हदीस के मुताबिक नहीं बल्कि इमाम शाफ़ी की राय हदीस के मुताबिक है। बल नहनुल मुक़ल्लिदून अबी हनीफा, लेकिन चूंकि हम इमाम अबू हनीफा के मुक़ल्लिद हैं लिहाजा हम पर उन्हीं की तकलीद वाजिब है। ये रविश खतरनाक है। अबू मूसा अशरी का मसला हदीस के लिहाज से गलत हो गया चूंकि उनके पास हदीस नहीं थी। अबू मसूद अब्दुल्लाह बिन मसूद के पास हदीस रसूल मौजूद थी तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने क्या कहा कि अगर वही फतवा मैं दे दूं जो अबू मूसा अशरी ने दिया हदीस की मौजूदगी में तो मैं गुमराह हो जाऊंगा। लिहाजा ये तकलीद, अंधी तकलीद बाज़ दफ़ा गुमराही तक भी ले जाती है कि आपके सामने हदीस आ गई लेकिन आप फिर भी उसी बात के ऊपर डटे हुए। नहीं, डटना नहीं है, ये दरहकीकत अना का मसला नहीं है, दीन अना नहीं है, ये अना जन्नत के रस्ते में रुकावट बन जाएगी। जो बात कुरान और हदीस से आ गई किसी भी मसलक की हो, बरेलवी, देवबंदी, अहदी, शाफई, हम्बली, सब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले हैं, जिसकी जो बात कुरान और हदीस से मैच कर जाए, इस बात को छोड़ते हुए कि मेरा मसलक क्या है, मेरा मसलक कुरान और हदीस है, वो बात किसी भी मसलक से मुझे मिल जाए मुझे कबूल करनी चाहिए। दूसरी बात शिर्क के हवाले से जो मेरी बहन ने कही, शिर्क बहरहाल एक इंतहाई कभी फेल है और ख़तरनाक तरीन जुर्म के अंदर आता है, और कुरान ने कहा इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर सबसे बड़ा गुना, सबसे बड़ा जुल्म वो शिर्क है, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फिरु अन युशरका बिही, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ़ नहीं करेगा जो अल्लाह के साथ शिर्क करता हो। वह यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, और शिर्क के सिवा कोई भी गुनाह होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ फरमा देगा। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत है वो इंतहाई वसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहे माफ़ फरमा दे। हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला ये है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा नेक और दूसरे को सबसे बड़ा गुनाहगार समझते हैं। बहुत ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं सबसे बड़ा गुनाहगार, मेरे सामने जो भाई है, जो बहन है, वो सबसे नेक पारसा। जिस तरह रब को आपने बहुत अच्छी बात की कि हम हमेशा दूसरे को इस नज़र से देखते हैं कि ये बड़ा गुनाहगार है, जबकि मेरे रब ने हमें बनाया, उसने तख्लीक किया, पैदा किया, और हम कितनी बार गुनाह करते हैं और फिर हम उससे अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और फिर वो हमें माफ कर देता है, और हम उससे उम्मीद नहीं करते अगर कोई गुनाहगार है कि काश वो भी पलट, उसके लिए खैर की दुआ नहीं करते। हमने असल में जहन्नम को बहुत ज्यादा लोगों से भरना है और जन्नत में बहुत कम लोगों को जाना है, ऐसा महसूस होता है। ऐसा नहीं है, अल्लाह की जन्नत बहुत बड़ी है, सबको ले लेगी इंशाअल्लाह। लेकिन बात यह है कि शिर्क का जो मामला है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो रहमत है वो इंतहाई महदूद है, इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला यग़फिरु, नहीं माफ करेगा, अय युशरक बिही, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया हो। आगे फरमाए वह यग़फिरु, और माफ कर देगा, मा दून ज़ालिका लिमन यशा, जिसको अल्लाह चाहेगा, ठीक है। लेकिन शिर्क करने वाले को अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। और दूसरे मकाम पे फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाही फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना,
वमावाहुन्नार, जिसने अल्लाह के साथ शर्क किया अल्लाह ने जन्नत को उसके ऊपर हराम कर दिया और वो हमेशा के लिए जहन्नम में चला जाएगा। लिहाजा शर्क इंतहाई हसास जुर्म है, शर्क से बचिए। शर्क के अलावा अल्लाह हर गुनाहगार को माफ़ भी कर सकता है, उसकी रहमत है, उससे कोई पूछने वाला नहीं। नहीं माफ़ करेगा तो शर्क करने वाले को माफ़ नहीं करेगा। और बहुत सारी चीज़ें नादानिस्तगी के अंदर हम शर्क कर जाते हैं। मिसाल के तौर पे नबी अलैहिस्सलाम की आखिरी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन लानत कर यहूद व नसारा पर। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल आलमीन है, आप अलैहिस्सलाम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की इंतकाल से पहले अल्लाह लानत कर यहूद व नसारा के ऊपर जिन्होंने अपने अंबिया के जाने के बाद उनकी कब्रों को सजदागाह बना दिया था। लिहाजा नबी ने कहा अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह बनने से महफूज रखना। अब बात यह है कि कितने ही जगहों के ऊपर, आप सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब फेसबुक आप चेक कीजिए, लोगों को सजदा कर रहे हैं, अपने ही जैसे लोगों को, और कब्रों पे जाके आस्थानों पे जाके सजदा कर रहे हैं। ये नबी इस अमल के ऊपर बद्दुआ दे रहा है कि अल्लाह यहूद नसारा पर लानत करके जिन्होंने अपने अंबिया के जाने के बाद उनकी कब्रों को सजदागाह बनाया, साथ अल्लाह के नबी ने दुआ की अल्लाह मेरी कब्र को सजदागाह बनने से महफूज रखना। तो बात यह है कि इंतहाई हसास जुर्म है शिर्क की, अल्लाह ने माफ़ी नहीं देनी है, लिहाजा इस गुनाह से अपने आप को महफूज रखें। अच्छा, कुरान पाक बेहतरीन हमारे लिए रहनुमाई का सबब है और कुरान पाक ने हर बात खुली बता दी, हमारे लिए ये खुली किताब है। हर तरह की रहनुमाई, आप अपने बहन भाइयों के साथ प्रॉपर्टी की बात करें, मियाँ बीवी के ताल्लुक, तलाक की बात करें, जायदाद की बात करें, माँ बाप की फर्माबरदारी की बात करें, जंगो जहद की बात करें और कितनी ऐसी आम जिंदगी की बातें करें, तो हर बात की रहनुमाई कुरान पाक में मौजूद है। मैं ज़ुबैर साहब से पूछूंगी, हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब ये बताइए, कुरान पाक बार बार हम कह रहे हैं हमारी रहनुमाई और हर मसले का हल है, और कोई भी तकलीफ या कोई भी हम लोग किसी प्रॉब्लम में शिकार हो जाएं तो हम किताब इलाही से रहनुमाई ले सकते हैं। जैसे कुछ लोग जिन्नात की बात करें उसमें जिक्र है, माँ बाप की फर्माबरदारी की बात करें, औलाद की, पड़ोसियों की, औलाद जो जायदाद में लड़ती है, बहुत सारी ऐसी बातें जो उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा, तलाक में हमें गाइडलाइन मिलती है कि कितनी बार तलाक होती है, कितनी बार नहीं होती है, हमारे लिए हलाल क्या है, हराम क्या है, कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं कौन नहीं, हर चीज़ की बात किताब में मौजूद, ऐसा है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज़ का हल रखा है। और बेसिकली अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इस्लाम को जो तरगीब और तरबियत दी है वो ये है, या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू फिसलम काफा, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान, शैतान मर्दूद की इत्तबा ना करना, इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन, क्योंकि शैतान तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझसे और आपसे जो तकाजा करते हैं वो पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल होने का है। अब जब पूरा पूरा इस्लाम हम ढूंढेंगे हमको कहाँ मिलेगा, हमें कुरान और हदीस के अंदर यकीनन पूरा का पूरा इस्लाम मिल जाएगा। कुरान ने हर मामले के अंदर मेरी और आपकी तरबियत की है। मेरी बहन जैसे फरमा रही थी कि जन्नात के मामलात, ये भी हमें कुरान मजीद के अंदर मिल जाते हैं, जादू आसिब दीगर जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का हल कुरान और हदीस के अदर मौजूद है। अच्छा भाई, जब हर चीज़ का हल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, फिर हम इधर उधर क्यों भटकें, फिर आमिल प्यारे लाल के पास क्यों जाएँ, फिर फला के पास क्यों जाएँ? ये इतने बड़े बड़े आस्थाने और धंधे बनाए हुए हैं लोगों के ईमान को बर्बाद करने के लिए, और जिस शर्क की हम बात कर रहे थे उस शर्क के रास्ते पर डालने के लिए, और इसी तरह से लोगों का माल और उनकी इज्जत को बटोरने के लिए ये सारे आस्थाने, ये सारे आमिल फलां पामिल फलां, ये देखें रोडों पर आप जाएं कितने बड़े बड़े चौकिंग हुई भी होती हैं, आमिल फलां महबूब आपके कदमों में, आमिल फलां हर मुश्किल बंदिश दूर। अच्छा, जब आमिल फलां हर मुश्किल को दूर कर रहा है तो खुद फुटपाथ पर क्यों बैठा हुआ है? जब आमिल फलां हर रिश्ता आपको दिला रहा है तो मिस वर्ल्ड इसकी बीवी क्यों नहीं है? सोचने की बात है ना, इंसान अपनी अकल को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करे। वो आपका रिश्ता कहता है जहां चाहे आप लगवा दें, लेकिन खुद बेचारा फंसा पड़ा हुआ है, उसकी खुद शादी भी कोई नहीं हो रही, वो आपने हंसा ही दिया मुझे, आपको पूरी दुनिया की जायदाद कदमों में लाके दे रहा है और खुद आपसे फीस मांग रहे हैं, आपसे फीस मांग रहा है, तो थोड़ी सी अपनी अकल को। और अगर इस तरह लोगों के पास पैसा आने लग जाए तो फिर मुल्क की जो ये इतनी परेशानी है, मेरे ख्याल सारा कर्जा वापस कर दें, सारा कर्जा उतरवा लें, माफ करा लें। वाकई में लोग हैं, बहुत सारी ऐसी खवातीन खास तौर पे
और ख्वातीन ही सबसे ज्यादा वहाँ पहुंची भी बिल्कुल, होती बिल्कुल। वो इतना बड़ा नहीं होता जितना वो उधर जाके बनाने से वो और बड़ा बना देती हैं उसको और खुद तो जाती हैं 10 औरों को भी लेके चली जाती हैं। बस अल्लाह हमारे हालों पर रहम करे, क्योंकि हम कुरान हदीस से हटेंगे। मैंने शुरू में हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी ने फरमाया तरक तो फीक उमरैन, दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, लन तजिल्लू। देखें गारंटर अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के नबी फरमा रहे तुम हरगिज गुमराह ना होने पाओगे, मा तमस्सक तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नती, जब तक कुरान और हदीस से चिमटे रहोगे। आप इन आमिल फ़लाँ फ़लाँ को छोड़िए, आप कुरान और हदीस से अपने मसाइल का हल ढूंढिए, इंशाल्लाह आपको हर मसले का हल मिलेगा। एक मुख्तसर सा मैं आपको मशवरा दे देता हूँ, इन जिन्नात आसेब जा लास्ट मैसेज भी दे दें और ये मैं ये लास्ट मैसेज आपको देता हूँ कि आमिल की जगह, इन आस्थानों की जगह आप घर बैठे इंशाल्लाह अपना मसला हल कर लेंगे। फिर भी किसी मसले में फंसते हैं तो बिल्कुल फसलु अहल जिक्र इन कुन तुम ला तालमून, जिस मसले में तुम्हें समझ ना आए तो अहले इल्म से रुजू करो, लेकिन देखो भी तो सही वो अहले इल्म है कि नहीं है। ये जितने आमिल हैं इनको कलमा तैयबा भी नहीं आता, रोडों पर बैठे हुए इस्लाम की बात करते हैं, आप कभी इनके जाके देखिए ये दम क्या कर रहे हैं, इनका दम भी कुछ नहीं, इनके दम में भी कोई दम नहीं होता, क्योंकि कुरान हदीस नहीं होता। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह कुरान और हदीस होगा, आप पढ़ के देखिए, बड़े से बड़ा जादू हो, सहर हो, असरात हो, नजर हसद इंशाल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर कर देंगे। करना ये होगा, फजर की नमाज के बाद आप अपने मुसल्ले के ऊपर बैठें, नमाज के बाद के जो अस्कार हैं वो कीजिए, सुबह के जो अस्कार हैं वो कीजिए, उसके बाद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, तीनों कुल 3 मरतबा, इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर 100 मरतबा, सूरह सौफ़ात की इब्तदाई 10 आयात, इसी तरह सूरह कहफ़ की इब्तदाई 10 आयात, इसी तरह से आपने सूरह बकरा का आखिरी रुकू, ये तमाम चीज़ें पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर लीजिए। इंशाल्लाह ये अमल आप कम अज़ कम 40 दिन इसको अपनी प्रैक्टिस के अंदर रखिए, देखिए इंशाल्लाह अल्लाह आपको कैसा शिफायाब करेगा, नज़र हसद जादू सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं ख़ुद रूहानी मुआलिज हूँ और लोगों का इलाज करता हूँ, मज़ीद मेरे नंबर्स भी नीचे चल रहे होंगे, अगर किसी मसले में कोई डिफ़िकल्टी होती है, कुछ समझना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई, और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि अगर कोई रूहानी प्रॉब्लम हो, अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह इनके साथ हमारा नेक्स्ट वेनेसडे को यहाँ पर हम हजामा के आपको तमाम तरीका बताएंगे कि हजामा क्यों ज़रूरी है और ये कौन सी बीमारियाँ जो है इससे रिलीज़ हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने नेक्स्ट जो वेनेसडे को ज़रूर हमारा प्रोग्राम देखना है हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब के साथ, और हजामा के बारे में डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी हकीम साहब बहुत शुक्रिया, और इनका नंबर भी चल रहा है अगर आपको कोई भी ऐसा मसला हो, लेकिन ये जब बताएँगे तो गाइडलाइन किसके थ्रू, कुरान के थ्रू, जो भी आपको रूहानी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जहाँ मतलब बच्चियों की शादी नहीं होती या कोई भी उनके रोज़गार में कोई रुकावट है, लेकिन हम कुरान पाक को सामने रख के आपको ज़रूर हकीम साहब आपकी रहनुमाई करेंगे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपने बहुत अच्छी आज गुफ्तगू की, दिल खुश हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं जाने आएंगे, छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में, और आज मैं डिफरेंट जैसे सेगमेंट्स लेकर हम लोग आते हैं, आज भी आज आपको डिफरेंट सेगमेंट मिलेगा, और वो है वो ख़वातीन जो आगे बढ़ के ज़बरदस्त काम करती हैं, हमारे लिए मोटिवेशनल पर्सन है और यहाँ पर मौजूद हैं, वो खुद बताएंगी उन्होंने बहुत सारे काम किए, अगर मैं एक लिस्ट निकाल दूंगी तो फिर तो प्रोग्राम नहीं उनके साथ होगा। तो वो बहुत सारे मल्टी वर्क्स करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस को सपोर्ट करती हैं हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, और डे बाई डे वो और आगे उनके बहुत ज़बरदस्त एम्स हैं, गोल्स हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा बींग अ पाकिस्तानी बहुत सारे काम करने। तो यहाँ पर मौजूद हैं राबिया मिर्जा, CEO हैं होप फॉर ऑल के। अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, आप बताइए। फर्स्ट क्लास, और अच्छा लगा मुझे, होप फॉर ऑल इनकी ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी ये CEO हैं, और राबिया से मैं बात करूंगी कि माशाल्लाह आप सपोर्ट करते हो एंटरप्रेन्योर्स में वुमेन्स को, इंटीरियर सिंध में बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हो, फिर अभी डिजास्टर आया उधर भी आप लोगों का फोकस है, फिर आगे एजुकेशन भी करनी है, तो राबिया इतने सारे काम कैसे कर लेते हो आप?
देखिए वो कहती है ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये मर्दा कहाँ से आ गए? हम हिम्मत औरता नहीं देखिए कैसे जुमला जो जब हम फील्ड में आते हैं तो फिर हम मर्दों के शाना बशाना काम करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि हम फीमेल हैं। ओके गुड, वेरी गुड। तो बस हिम्मत करते हैं और फिर सारे काम अल्लाह की मदद के साथ हो जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जब दुआएं मिलती हैं लोगों की, जब खैर का काम करते हैं तो दिल को सुकून भी मिलता है। तो बस यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है और हम और ही और काम करते चले जाते हैं। माशाल्लाह, अभी आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन रिवॉर्ड भी मिला है। हाँ जी बिल्कुल, कराची इसी सिलसिले में ही मेरा आना हुआ था, एक और मीडिया चैनल है उनके रेफरेंस से मुझे यहाँ पर एक अवार्ड भी दिया गया, तो बहुत अच्छा लगता है। और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी तरफ से अप्रिसिएशन अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो बेस्ट अवार्ड होता है वो लोगों की दुआएं होती हैं आपकी लाइफ में। इसका कोई नेमल बदल नहीं। बिल्कुल जबरदस्त बात कही आपने। बाकी में जब कोई अप्रिशिएट करता है हौसला बढ़ता है उससे, और मैं ये कहूँगी कि आप अभी जो काम कर रही हैं आपके साथ और बहुत सारे लोग आपके लिए, आपके रिवॉर्ड के लिए आपके साथ मौजूद है, क्योंकि आपका काम बहुत अच्छा है। फ्यूचर में अभी जो अभी करंट सिचुएशन में आप क्या प्रेजेंट कर रही हैं? देखिए पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी फॉर ऑल का कि ये किस तरीके से वजूद में आई। ओके गुड। तो प्रोफेशनली तो मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, लेकिन मैंने गरीब लोगों का खास तौर पर दर्द को समझा कि वहाँ पे जो हमारे खास तौर पर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं वो तालीम नहीं हासिल कर पाते स्कूल की फीसेस की वजह से, और कुछ उनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं थी। तो इस चीज़ को लेकर आज से कोई 7 साल पहले मैंने मुख्तलिफ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिसमें मेरी मेड के बच्चे भी थे, जिसमें हमारे जो हमारे जो अपार्टमेंट के जो स्वीपर थे उनके बच्चे भी थे और कुछ स्ट्रीट चिल्ड्रन थे। तो फिर एक एरिया था सक्खर का, बहुत निगलेक्टेड एरिया था, वहाँ से मैंने 2 बच्चों से तालीमी सिलसिला शुरू किया और वहाँ पर हमने उनको किताबें कॉपियाँ मुफ्त दी और पढ़ाना शुरू किया। फिर पिंडी से कमोडोर महमूदुर रहमान साहब हैं, वो रावलपिंडी में ये काम कर रहे थे, हम दोनों ने जॉइंट वेंचर में शेक हैंड किया और हमने अपना एक स्कूल बनाया, प्राइमरी स्कूल। तो जो 2 बच्चों से सिलसिला शुरू किया था वो अब पाकिस्तान में माशाल्लाह से 498 बच्चों पे अभी तक हम उस तक पहुँच पाए हैं। ये आपके एफर्ट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए। और उसमें ये है कि उनके सारे अखराजात, तालीमी अखराजात जितने भी हैं बच्चों के, वो हम खुद बियर करते हैं, और ये सब कुछ अपनी मदद आपके तहत है, जिसमें हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर्कल है, सोशल हमारा जो पर्सनल सर्कल है वो हमें सपोर्ट करता है, किसी इदारे की सपोर्ट नहीं है। जबरदस्त। दूसरा ये है कि पिंडी में हमने 50 मदरसा के बच्चे अडोप्ट किए हैं जो कुरान पाक हिफ्ज कर रहे थे, और ये बड़ा एक मुश्किल टास्क था जिसको महमूदुर रहमान साहब ने बड़ा अच्छा सा उसको मोटिवेट किया उन हाफिज साहब को, और उन बच्चों को हमने डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में इंडक्ट किया और उनके अखराजात भी हम खुद ही अफोर्ड करते हैं। बड़ी बात। तो आज वो माशाल्लाह बच्चे इंटर में आ गए हैं, इंटरमीडिएट में हैं, और दे आर पोजिशन होल्डर्स। तो ये बड़ी अचीवमेंट है। और सक्खर में जो है इस वक्त मेरे पास 138 बच्चे और बच्चियां हैं जो पढ़ रहे हैं। सुबह में हम कुरान पाक की तालीम देते हैं उनको, उसके बाद वो फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं। क्या बात है, यानी ये पूरा फोकस और बड़ी खूबसूरत जो आपने जब मुझे ये बता रही थी कि जो है स्वीपर के बच्चे हैं और इनको वाकई में यकीन करें कि घर वाले अफोर्ड तो कर नहीं पाते, तो वो अपने बच्चों की जो है तरबियत ना तालीम कुछ भी नहीं दे पाते, और ये हमारे पाकिस्तान का एक हिस्सा है और हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। और हम लोग जब करते हैं तो समझ लें इस वक्त दौरे हकूमत में जो भी इख्तदार में वो उसका जिम्मेदार है बेसिकली। अगर इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, वैसे भी देखें, तो जो लोग इख्तदार में है वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के हर शहरी की जो है वो उसके घर में खाना है या उसकी घर में मसले हैं या उसको दवा नहीं मिल रही, उसके बच्चे एजुकेशन नहीं, ये रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नमेंट। लेकिन अगर आप जैसे लोग मौजूद होंगे तो इंशाल्लाह ताला वो लोग भी इन चीज़ों से महरूम नहीं होंगे। लेट्स सी, आपने कहा कि माशाल्लाह आपने खुद ही क्लियर किया कि एजुकेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑन करने के लिए आपने ये आपका इनिशियली गोल ये था, आगे चल के आपने और क्या क्या चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रेलेवेंट करनी है? कुछ होता ना यार, ये करूँगी इंशाल्लाह ताला, जैसे जैसे मुझे और लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इस काम को भी करना चाहूँगी। वो कौन से काम हैं?
अच्छा देखिए, सम टाइम ऐसा होता है कि आप अपने गोल सेट करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो आपके गोल्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं एज पर द नीड ऑफ द पीपल। ओके, तो हमने तो एजुकेशन का ही सिलसिला शुरू किया था, लेकिन फिर जब इलाके में पता चला कि जी ये स्कूल बना है और बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वहीं की ही जो गरीब खवातीन थी वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि मैडम अभी आप हमारे लिए भी कुछ करें ना। तो फिर मैंने वहाँ पर उनके लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाया, जहाँ पर यतीम और बेवा जो खवातीन और बच्चियाँ थीं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिलाई कढ़ाई और रिली मेकिंग का हुनर देते हैं। रियली? अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके इंस्टीट्यूट आकर मोस्ट वेलकम, आप जरूर आइएगा। सखर में? जी बिल्कुल, सखर में। ओके, और तीन शहर है? जी बिल्कुल, और तीन बैचेस अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आउट हो चुके हैं अभी। और सबसे अच्छी बात सभी इसमें ये है कि वो बच्चियाँ जिन्होंने हमारे पास से ये हुनर लिया है वो अपने घर में बैठ कर सिलाई करके अपना ब्रेड एंड बटर खुद अरेंज कर रही हैं। एक काम कीजिएगा ना आप, ये जितनी आप हुनरमंद खवातीन आपके इंस्टीट्यूट से बिलोंग करती हैं, जो सीख पास आउट हो चुकी हैं, जो भी पढ़ रही हैं, जो भी हुनर सीख रही हैं, चाहे वो कुकिंग है, सिलाई है या कढ़ाई, जो भी, उन सबको यहाँ लेकर आइए। बिल्कुल इंशाल्लाह, एक बड़ा आपके साथ प्रोग्राम कर लेते हैं, दो घंटे का शो कर लेते हैं, तो वो भी खुश होंगी कि आपने कहाँ तक उनको लेके गए, उनकी एप्रिसिएशन मिलेगी। नहीं जी बिल्कुल, ये भी एक मेरा जो भी आपने बात की कि गोल्स की, तो इसमें ये भी है कि मैं इन खवातीन को और उन बच्चों को भी थोड़ा सा एक्सपोजर दूँ, ताकि वो अपना जो उनका जो लोकेशन है, जो उनकी जो सराउंडिंग है, वहाँ से बाहर निकले, उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। और ये खवातीन जो है, देखिए कैमरे को फेस करना एक आसान बात नहीं है, तो जब ये फेस करेंगी तो डेफिनेटली दे विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस लेवल। और भी चीज़ है कि जब ऑफ कोर्स एक आप एक्सपोजर देते हैं, अब उन्होंने सीख लिया, वो सीखने के बाद बॉक्स में तो नहीं बंद करना ना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीखा होगा कि हमें हेल्प की ज़रूरत होगी, हम अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं इसको सेलिंग करके, ये जो हमने सीखा है, ये कुर्तियाँ बनाना सीखा है या कुकिंग सीखी है, तो इसका एक्सपोजर नहीं होगा तो वो तो डब्बे में रह जाएगा। तो ये बेस्ट आपने बहुत अच्छा कहा, तो उनको चाहिए कि उनको गुफ्तगू, लोगों से इंट्रैक्शन करें, गुफ्तगू के कैसे चीज़ को सेल किया जाए, ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म बहुत ज़रूरी है अब, जिसमें इवेंट्स होने चाहिए खवातीन के, और डिफरेंट चैनल्स को उनको ऑब्लाइज करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बीइंग अ पाकिस्तानी हमें एक दूसरे के लिए ब्रिज बनना। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सब चीज़ें हम बच्चों, इन ख़वातीन को मैं ख़ुद क्लासेस देती हूँ कि आपका बिहेवियर, अगर आप एक सेल्स मैन हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, अभी जो हमारे जो नेक्स्ट इनिशिएटिव है वो ये कि हमने कुछ लोगों से बात की है, हम इन ख़वातीन को अब थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर भी जा रहे हैं, कि हमें जैसे ऑर्डर्स हैं, कुछ मार्केट्स में कुछ शॉप्स होती हैं जो कुर्तीज वगैरह सिलवाती हैं, स्कूल यूनिफॉर्म्स स्टिच करवाती हैं, तो वो हम इन खवातीन को देंगे, उनसे इनकी वेजेस भी बनेंगी और इनके हाथ में फिनिशिंग भी आएगी ना, तो ये भी इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ। और जो हमने फ्लड के हवाले से काम किया, उसमें हमने राशन और ये किट्स और ये सब चीज़ें, पानी, ये सब चीज़ें तो दी, सब ने दी, हमने भी दी, लेकिन जो होप फॉर ऑल ने जो बहुत डिफरेंट काम किया वो ये किया कि फील्ड में जाके और जो टेंट सिटीज थी हमारे यहाँ पर, उनमें जाकर मैंने खवातीन को थोड़ा सा फिजिकली इन्वॉल्व किया, उनकी एक्सरसाइजेज, उनकी बूस्टिंग मेंटली एंड फिजिकली, और बच्चों के साथ मैंने बड़ी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ की, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की, ताकि वो ये फील ना करें कि हम किस ट्रॉमा में हैं, हमारे ऊपर कौन सी आफत आ गई है, तो वो बेचारगी वाला उनके अंदर सेंस ना हो। तो बड़ा अच्छा लगा उन बच्चों के साथ, उन खवातीन के साथ टाइम गुजार के, और होप फॉर ऑल इन फ्यूचर भी इन सैलाब जदगान के साथ यही करना चाहती है, कि हमने एक दो लोगों से और भी बात की है कि इन टेंट सिटीज़ में हम कुछ ऐसा लिटरेसी सेंटर्स या अवेयरनेस सेशंस वगैरह कंडक्ट करें, जहां पर ख़वातीन को भी अवेयरनेस हो हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से, क्योंकि आप फिज़िकली फ़िट होते हैं तो आप मैंटली भी फ़िट होते हैं। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात कही है इन्होंने कि जो मेंटली, जो फिज़िकली फ़िट होते हैं वो मेंटली उनके, ऑफ कोर्स बिल्कुल दिमाग तो ज़रूरी होता है, और सोच है, क्रिएशन है, जब वो रिलैक्स होगा बॉडी में पता चले ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और वो टेंशन में रहेगा तो कुछ काम नहीं कर पाएगा। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस के लिए फ्यूचर में आपके लिए, जैसे आपने माशाल्लाह स्किल्स के लिए अपने
इंस्टीट्यूट रन कर रही हैं, इंस्टीट्यूट में कौन कौन से स्किल्स आप ऑन कर रही हैं? देखिए, इस वक्त तो हमारे पास सिलाई है, कढ़ाई है, ड्राफ्टिंग है, जो पूरा ड्रेस मेकिंग का एक कोर्स होता है। उसके अलावा हम रिली एंड एप्लिक मेकिंग जो होती है ना हमारी, वो हम हैंड एम्ब्रॉयडरी, सारी बलोची वर्क है, सिंधी वर्क अच्छा, है, ये सारा हम खवातीन को, बच्चियों को सिखाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। अब माशाल्लाह मेरे पास कुछ ऑर्डर्स भी आने लगे, लाइक यू के राबिया मुझे एक अच्छा सा ड्रेस चाहिए, मुझे ऐसा घग्गा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, पिक्चर्स भेज देती हैं, तो फिर मैं इनसे बनवा कर जो है वो दे देती हूँ। तो ये कि वो बिजी भी रहती हैं और उनकी अर्निंग भी रहती है। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। यानी कि और आगे चल के आप इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, लाइक मेहंदी पार्लर्स वगैरह जो सलोन्स में रन करते हैं, ब्यूटिशियन कोर्स, ब्यूटिशियन बिल्कुल, और इसके अलावा कुकिंग भी आजकल बहुत ज्यादा इन है। तो ये तो अभी माशाल्लाह एक वक्त होगा रबिया जी जो है ना वो बड़े बड़े इनके ब्रांचेस इंस्टीट्यूट होंगे इंशाल्लाह। सखर के अलावा भी सोचा है कुछ और आगे करना? सखर के अलावा नेक्स्ट हमारा कराची ही है, और सखर में जो करीबी एरियाज हैं, खैरपुर है भी हमारा नेक्स्ट, वहीं वहाँ पर है। थोड़ा सा मोबिलाइजेशन के हवाले से कि हम कुछ वहाँ पर काम करें। असल में देखें, काम आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन रिसोर्सेज बहुत मैटर करती हैं। जब आप आउट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं तो फिर आप जो कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। तो हम अभी अपनी जो विद इन द रिसोर्सेज हम जो कर सकते थे, हमने अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया है और हम दे रहे हैं और देते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये मिट्टी से हम बने हैं, यहाँ से हम पैदा हुए हैं, इसका कुछ कर्ज है, तो जाते जाते कुछ कर्ज अपना अदा कर जाएं ताकि जब इस दुनिया से जाएं तो लोग अच्छे नामों से याद रखें। यही मेरी ख्वाहिश है और यही मेरा पैशन है। बड़ी बात है ये, वाकई में कोई पर्सन ऐसा नहीं सोचता कि इस ज़मीन ने, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है कि काश हम इसको लौटाएं, क्योंकि हम लेने की ही बात करते हैं, देने की बात नहीं करते। और कम लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमने इस वतन को कुछ देना है। उनमें हमारी प्यारी बहन का नाम है, वो है राबिया, जिन्होंने ये सोच क्रिएट की कि मुझे इस वतन का कुछ उधार है, इस मिट्टी का कुछ उधार है जो हमें अदा करना है। अच्छा जी, मुल्क की ऑफ कोर्स डिफरेंट लोग डिफरेंट अंदाज में काम कर रहे हैं। आपने कहा लैक ऑफ कभी कभी फाइनेंशियली होता है, तो वो जो सोच क्रिएट करती हैं तो थोड़ा सा उसको रोकना पड़ता है, उसको बैक लेना पड़ता है। लेकिन सोच ज़हबत हमारे ख्वाब होते हैं, सपने होते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो टैलेंटेड लोग हैं तो उनके लिए यही सबसे बड़ी मतलब ये हाइल आता है कि ये अभी नहीं हो सकता। बड़ा दुख होता है, मुझे भी बड़ा दुख होता है, कुछ चीज़ें मैंने सोची भी यार अभी नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स, तो लेकिन वो कभी ना कभी हो जाती, क्योंकि हम लोगों की हिम्मत नहीं टूटती ना। जिन लोगों की हिम्मत टूट जाती वो काम कभी भी नहीं होता। देखिए, ख्वाब देखना बहुत अच्छी बात है, जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे आप मंजिल भी नहीं पाएंगे, आपको ताबीर भी नहीं मिलेगी। और हमने जब ये सिलसिला शुरू किया था तो कुछ ऐसा किया था कि हमारे पास सिर्फ तीन चटाइयाँ थीं, तीन मैट्स थे, हम बच्चों को ज़मीन पर बिठाकर पढ़ाते होते थे उस ज़माने में, ना चेयर्स थी, ना टेबल्स थी, ना बच्चों का के लिए डेस्क थी, वाइट बोर्ड्स भी नहीं थे। और स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो लोगों ने जब काम भी देखा और फिर हमें उससे और भी मोटिवेशन मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास एक बहुत अच्छा छोटा सा सादा सा प्राइमरी स्कूल है जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रजिस्टर्ड भी है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, तो हम उसको बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। हमारा अब नेक्स्ट जो बैच है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पास आउट होगा। तो आप ख्वाब ज़रूर देखें और उनके ऊपर मैंने कहा हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप हिम्मत करें, रास्ते अल्लाह ताला खुद ही बना देता है। हाय हाय, क्या बात है, और वाकई में पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। अच्छा जी, हम लोग किचन की तरफ चलते हैं और अभी हमारे साथ ही हैं, तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। गुड मॉर्निंग विद सभी का ये है किचन, और
बहुत सारे लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और अपने हाथों की लज्जत और जायके को यहाँ पर हाईलाइट करते हैं। और आज भी मेरे दरमियान एक जबरदस्त शेफ मौजूद है। शेफ का नाम है जहीर साकिब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो साकिब? और ये अच्छा बड़ा मजा आता है जब डिफरेंट जबानों के लोग भी, सब हमारे पाकिस्तान की बड़ी प्यारी प्यारी जबान है और ये बलती जबान बोलते हैं, बल्तिस्तान से, सही कहा? ये स्कर्दू से। ठंडा कैसा मौसम चल रहा है स्कर्दू में? अब अभी तो सर्दियाँ शुरू हो गई। सर्दियाँ तो लोग वहाँ से भागने की करते हैं क्या? तो सर्दियों के मौसम में हमारे लोग जो ना वहाँ से कराची शिफ्ट होते हैं, फिर जैसे कराची में गर्मी स्टार्ट होते हैं यहाँ से वो लोग। रियली? हाँ अच्छा, सुना है स्कर्दू में तो बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है जी, और लोग अच्छा कुछ लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं फिर पहाड़ों से नीचे भी आ जाते हैं, ऐसा है कि? पहाड़ों पे ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से वहाँ पे जो है ना नहीं रह सकते, तो इसलिए जनवरी के महीने में वो नीचे स्कर्दू शहर में आते हैं और फिर जैसे ये गर्मियों का मौसम चलता है तो वो। मैं बहुत सारी बातें यहाँ करूंगी, पहले हम लोग डिश की तरफ चलते हैं। जी डिश का नाम है, डिश का नाम क्या है? अल्फ्रेडो पास्ता। यही बोले, मैं तो नहीं बोल रही। क्या एक मिनट, क्या बोलना तुम्हारा? फ्राइडो फेटुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता। फेटुचिनी अल्फ्रेडो पास्ता, बस पास्ता सही है। पास्ता बनने जा रहे हैं मेरे, इन्होंने शेफ जो है डिश का नाम तो मेंशन कर दिया, इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन से डालेंगे ये बताओ। इंग्रेडिएंट्स सबसे पहला तो इसमें बटर जाएगा मैम। गुड। देन इसमें गार्लिक पेस्ट जाएगा। अच्छा ये बटर है और ये गार्लिक चॉप किया, गार्लिक चॉप किया हुआ, ठीक है। और और ये ब्लैक पेपर है और ये चेडर चीज है मैम। ये व्हाइट पेपर है। okay. ये ब्रेड क्रम, ये गार्निश के लिए इस्तेमाल होगा। okay. और ये ओरिगानो है, ये चिकन पाउडर है। okay. ये मिल्क रखा हुआ है और ये क्रीम है। अच्छा अब हमको बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इसको पैन को उसके ऊपर फ्लेम के ऊपर रखते हैं और तेज करना है तो फ्लेम को तेज कर सकते हैं। फास्ट करना है इसको गर्म होने के लिए, ठीक है जी। अब हम लोगों ने करना क्या है यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स के अंदर? अच्छा जो पास्ता भी बॉईल किया हुआ आपने पहले से? पास्ता और चिकन मैंने जो है पहले तैयार करके रखा हुआ क्योंकि टाइम की शॉर्ट है। ठीक 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 है, गुड है गुड है। तो सबसे पहले जो है इसमें बटर एड करेगा, ठीक है। अच्छा फ्लेम नॉर्मल रखना है ना, बटर जल भूल जाए बराबर। जी जी ना? इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिएगा, ठीक है, ताकि जले नहीं बटर। गुड गुड। माशाल्लाह बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है साकिब, क्योंकि इनकी मैंने पूछा इनसे, मैक्सिमम इनको 5 साल हो गए जी मैम, तो स्किल्स वैली से ही आए हैं जी। मैं वैसे भी होटल लाइन में जो है ना 5 साल से काम करता हुआ आ रहा हूँ। माशाल्लाह अभी मैंने तकरीबन मेरा कोर्स अभी कम्प्लीट होके 15-20 दिन हो गया। मैंने स्किल्ड वैली से नैफ्टिक का 6 मंथ का कोर्स भी किया है और 1 ईयर्स। जबरदस्त साकिब, अच्छा लगा आपसे क्योंकि आप तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत हमारे पाकिस्तान के एक हिस्से से बिलोंग भी करते हैं जी। और इसमें डालेगा यस 1 टेबल स्पून जो ना इसमें गार्लिक डाल, ठीक है जी। इन्होंने गार्लिक पहले इन्होंने बटर को मेल्ट किया हल्का सा फ्लेम के ऊपर, तेज नहीं करना, थोड़ा कम करके स्लो रखना है कहीं वो जल ना जाए। और उसके बाद इन्होंने चॉप किया हुआ लहसुन जो गार्लिक है वो इन्होंने इसमें डाल दिया, ऐड कर लिया। अब सेकंड इसमें क्या क्या चीजें डालेंगे मैम? अभी इसमें मिल्क जाएगा जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, मैं समझिए ताकि वो जल से अरोमा भी आ जाएगा गुड, लेकिन बहुत लाइट स्टीम पर। अच्छा तुम्हारी फेवरेट डिश कौन सी है? मैं जो है ना कॉन्टिनेंटल फूड मुझे ज्यादा पसंद है। अच्छा? और मैं इसी जो है ना फूड को आगे जो है ना प्रमोट करूँ। आपको भी कॉन्टिनेंटल पसंद है? अच्छा इस डिश में मिल्क ऐड, हाँ जी जी बिल्कुल, आपने इसको मिल्क ऐड कर दिया इन्होंने, 1 कप इसमें मिल्क डाल दिया, जबरदस्त इन्होंने मिल्क ऐड कर दिया, गुड दैट्स गुड। अच्छा इसको आप थोड़ा सा फ्लेम फास्ट कर सकते हैं जी, आप चाहे तो आप कर सकते हैं। आप इसको एक मिनट में करेंगे बंद हो जाए, ओके गुड हो गया, दैट्स गुड। हमारी दरमियान कॉलर है, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहां से जरा मुझे बताइएगा? हेलो मैं कासिम बात कर रहा हूँ, राघव कोशी। ओह अस्सलाम वालेकुम, वाह सरप्राइज जबरदस्त। कासिम भाई कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। आप फर्स्ट क्लास, मुझे आपने याद दिला दी, आपका गेस्ट हाउस इतना जबरदस्त रेस्टोरेंट, राका पोशी का व्यू मुझे वो सुबह याद आने लग गई है, जबरदस्त आउटस्टैंडिंग प्लेस। बहुत शुक्रिया, मैं भी प्रोग्राम देख रहा था तो आपका प्रोग्राम देख रहा था तो बड़ी खुशी हुई, आपसे मेरी पहले मुलाकात भी हुई थी
तो अल्लाह आपको कामयाब करे, आपका प्रोग्राम देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका जो है राका पोशी का जो मुझे वहाँ सामने एक व्यू नजर आता है, और मैं नाजिम को भी बता दूं इस वक्त हमारे साथ काजिम साहब है, और ये इनका बेहतरीन, जब भी आप कभी भी हुंजा जाएं तो जरूर आप इनके रेस्टोरेंट में जाएं, आउटस्टैंडिंग, सारी जगह से चारों तरफ से जो है वो ग्रीन हुआ है, और जबरदस्त, जब आप ओपन करेंगे अपनी विंडो, जैसे मैंने देखा था तो राका पोशी का व्यू और उसके ऊपर बहुत सारा ग्लेशियर यानी बर्फ से ढका हुआ है, जबरदस्त, ऐसा ही है ना कि नहीं? जी जी बिल्कुल, आप, मैं स्पेशली आपके और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने गिलगित बल्तिस्तान को प्रमोट करने के लिए आप खुद भी आए, आप अपनी टीम के साथ आए थे, तो एक बार फिर हमारी तरफ से आपको दावत है कि आप आए और हमारे जो अनएक्सप्लोर जगह है उनको भी एक्सप्लोर करके लोगों को दिखाएं। बहुत बहुत शुक्रिया काजिम भाई, और यकीन करें मैं आपके वहाँ का जो रेस्टोरेंट का खाना है वो टेस्ट है वो मैं नहीं भूलती, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, और मैं कहती हूँ जो भी जाएगा ना उस जगह पर वो बहुत इंजॉय करेगा, आपके खासतौर पर रेस्टोरेंट में जो जाएगा वो बहुत इंजॉय करेगा, इर्द गिर्द एक व्यू 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 ही है खूबसूरत। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। काजिम भाई हमारे साथ थे और मैं गई थी राका पोशी, और आउटस्टैंडिंग प्लेस है, और नीचे ऐसे ऊपर से पानी गिर रहा है, अल्लाह यकीन करें ऐसे लगता है कोई जन्नती नज़ारे हैं, अल्लाह पाक ने हमारे खूबसूरत पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, स्कर्दू भी बहुत खूबसूरत है, गिलगित भी बहुत खूबसूरत है, और बल्तिस्तान भी बहुत हसीन है। अच्छा जी मुझे ये बताइए अब नेक्स्ट क्या चल रहा है? जी मैंने अभी इसमें चीज और जो है क्रीम भी ऐड कर दी, okay, अब हम इसमें जो है ना स्पाइस ऐड करेंगे। अब इसके अंदर टेस्ट के मुताबिक सबसे पहले ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। जी इसमें जो ना हाफ टीस्पून जो है इसमें वो ब्लैक पेपर जाएगा। वाओ जबरदस्त, जरा हम लोग स्पाइस भी पसंद करते हैं, स्पाइस अगर आपको पसंद है तो आप इसमें क्रश चिली भी डाल सकते हैं, क्रश चिली आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइस पसंद है। मैं नॉर्मल बना रहा हूं, तो ये है मेरे पास व्हाइट पेपर, ये हाफ टीस्पून। ओके व्हाइट पेपर भी इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अभी मैं चिकन पाउडर ऐड कर रहा हूं। ओके चिकन फ्लेवर के तौर पे, ऑफ कोर्स साकिब इस वक्त इसमें, ज़हीर साकिब साहब इस वक्त शेफ जो है वो इसमें ये चिकन पाउडर, इसमें खुद ही नमक का एक हल्का सा टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है। कौन सी चीज अब ऐड करोगे? हमारे पास पास्ता रहेगा, मैम अब इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको शिफ्ट कर लीजिए, बिस्मिल्लाह, और बहुत इजीएस्ट इन्होंने इसमें पहले से बॉयल इसलिए कर लिया था कि टाइम बच जाए। टाइम बचे जी। मैक्सिमम कितनी देर में बॉयल हो गया था शहजादे ये बताओ? ये 8 से 10 मिनट में जो है ना ये तैयार हो जाते पास्ता, पानी में डाल दो। अच्छा कुछ टिप बताओगे ये चिपके ना आपस में, हम जब भी इसको बॉयल करें, जब ये पास्ता बॉयल हो जाए या पास्ता बॉयल करते वक्त भी जो है ना आप पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दें, उससे आपका पास्ता चिपकेगा नहीं। फिर जब वो आपके पास्ता तैयार हो जाए आपने पास्ते को फौरन पानी मार के जो है इसको ठंडा करना है और रूम टेम्परेचर पे लाना है, देन उसके बाद आप उसके ऊपर ऑयल मार दे, ऑयल स्प्रे करें ताकि वो पास्ता चिपके। कुछ कुछ चीजें बड़ी वो डिशेस के मुताबिक होती है तो समझ में नहीं आता, मुझे तो यूनिक सी लगती है। Okay. हमारे पास से तैयार है बस, और इसी में बाउल में डालने, इसी में डालने या कोई और, इसी में डाल दे मेरे ख्याल में। जी ओके, फ्लेम बंद करना है जी, बस ये थोड़ा हो जाए फिर इसका फ्लेम बंद। ओके हमारे भाई साहब जो हैं ज़हीर साकिब साहब ने बहुत क्विकली पास्ता जो है, डिश का नाम बताओ ज़हीर, ये ना मुझसे फेटुचिनो अल्फ्रेडो पास्ता। हाँ ये जो कह रहे हैं ना वो सुन ले। ओके हाँ ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, हमने इसको इसमें बाउल में कन्वर्ट कर दिया, आपके मतलब आप अपनी प्लेट से जिस मुताबिक कर सकते हैं, और मेरे ये उस तरफ शिफ्ट कर, अब हमारे पास आ जाएगा। यस आप बनाना शुरू करें, कट करके
क्रॉस में काटे ताकि जो ना आपकी प्लेटिंग अच्छी लगे। ओके गुड 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 गुड। और हमारा बिल्कुल एंड सिचुएशन चल रहा है और माशाल्लाह इन्होंने क्लियर मतलब बना लिया सब कुछ। गुड दैट्स गुड। ये कटिंग ये ले आ जाए। यस अब ये पास्ते के ऊपर लगा दें आप। वाओ। और देन आप जो है एंड में ये गार्निश के लिए ब्राइट रम है ये। वाओ इसको बटर में थोड़ा सा सौते किया हुआ ताकि ये अच्छा लगे। दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड। ओके ये आपके पास तैयार। क्या बात है जहीर। वाह 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 जबरदस्त। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन शो जहीर। बहुत अच्छा। इनको एक बार फिर हम बुलवाएंगे। थैंक यू। अच्छा जी ये बहुत प्यारे मेरे छोटे से भाई हैं और इन्होंने आज यहाँ पर अच्छा ये अपने डाल दिए इसके ऊपर। जी डाल। दैट्स गुड। चलें जी हम जरा चलते हैं रब्बे की तरफ। रब्बे एक जाते जाते एक अपना मोटिवेशनल मैसेज और लोगों को देना चाहे तो जरूर शेयर कीजिएगा। ये आपका कैमरा है। यस जी बिल्कुल। मैं तमाम पाकिस्तानी जो मेरे बहन भाई हैं जो मेरे बुजुर्ग हजरात हैं बहनें हैं मेरी माएँ हैं उन सबको एक बहुत अच्छा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि देखिए जब आप हमारे ऊपर कुछ कर्ज है एक्चुअली ना दुनिया का तो हमें वो निभाना होता है वो उतारना होता है। मैं अपनी सी कोशिश कर रही हूँ होप फॉर ऑल कोशिश कर रही है। और अगर आप हमारा साथ नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने मोहल्ले में गली में कूचे में कोई ऐसा गरीब बच्चा कोई ऐसा मुस्तहिक बच्चा जो स्कूल ना जाता हो और स्कूल की फ़ीस अफोर्ड ना कर सकता हो तो उसका सबब बन जाइए उसका वसीला बन जाइए। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। और अबे ये एक नहीं अभी तो आपके साथ जो मैंने कहा है ना एक बड़ा इंशाल्लाह प्रोग्राम मैं करूंगी इंशाल्लाह ताला। और रबिया ने बहुत प्यारी बात की है और इसी बात पर हम यहाँ पर जरा सा अपना सेगमेंट यहाँ खत्म करते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिएगा। यस ले यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। शामदीद कहती हूँ और गुड मॉर्निंग विद सभी में। इस वक्त कौन मौजूद है? पाकिस्तान के सुपरस्टार बेहतरीन कैंडल डांसर और डांस को डिफरेंट अंदाज में प्रमोट किया और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने धूम मचा दी। और वो धूम मचाने वाले कौन है? जी हैं पाकिस्तान मेरी पहचान अमजदरान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक है सभी? आपको देख के मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी इसलिए मिलती है एक तो बालों की वजह से पसीना आ रहा होता। ऐसा नहीं है माशाल्लाह 5 नवम्बर को एक बार फिर आप एक धमाल डाल रहे हैं सबको। सब बड़े बड़े मैं ये कहूंगी पाकिस्तान के लेजेंड लोगों को आप अवार्ड दे रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया चाहे वो एनजीओज हो आर्टिस्ट हो जर्नलिस्ट हो तो उनको सबको बुलाया जा रहा है माशाल्लाह। सब मोहब्बत में आते भी हैं। और ये प्रोग्राम 14 अगस्त के सिलसिले में होना जा रहा था क्योंकि बारिशें हैं फिर सैलाब आ गया तो उसकी वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। और अच्छा भी नहीं लग रहा था कि खुशी के गम के इस मौके में मैं खुशियां मनाऊं तो खैर ये अहमद शाह साहब की मेहरबानी उन्होंने हमें फिर दोबारा स्टैंड बाई किया और 5 नवंबर को होने जा रहा है। और इस प्रोग्राम की खास बात यह है सभी कि इसमें अमेरिका से जो वो सिंगर्स आ रहा है जो सोनू भट्ट माशाल्लाह बेस्ट परफॉर्मेंस दोनों की है। अमजद राणा इन एक्शन विद सोनू भट्ट। अमजद राणा इन एक्शन विद सोनू भट्ट। हमने एक ऑफ कोर्स पाकिस्तान में विनर्स एचडी टीवी जहां पर भी देखा जा रहा है उन सबको हम इनविटेशन दे रहे हैं कि 5 नवंबर को एक जबरदस्त इवेंट होने जा रहा है वो है अमजद राणा विद एक्शन एंड पाकिस्तान मेरी पहचान। अच्छा जी आपके साथ एक जबरदस्त मैं पाकिस्तान को बड़ा प्रमोट करते हैं कल्चर को तो कल्चर में यहाँ पर है इरज शाह और बेहतरीन स्टेज परफॉर्मर हैं आर्टिस्ट हैं बहुत सारे ड्रामे सिंधी ड्रामों में उन्होंने एक्टिंग की है। और आज यहाँ पर माशाल्लाह मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इरज। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही हो सिंधी कल्चर ड्रेस में। बस सिंध के लिए काम कर रहे हैं अपनी सकाफत को अपने कल्चर को उजागर कर रहे हैं। अमजद राणा हमारे सीनियर्स हमारे लेजेंड इनकी मेहरबानी के ये हमें प्रमोट करते हैं हमें आगे लाते हैं हमें एक प्लेटफॉर्म। और आज तो वेनिस टीवी हमें प्रमोट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। गुड मॉर्निंग विद सभी हमारे ये हम इनके साथ है। और अमजद भाई ने जब भी आवाज इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि जब ये बुलवाते हैं हम इनके मोहब्बत में चले जाते हैं और हमारे इवेंट में आती है माशाल्लाह 4 चांद लगाती है। एक मर्दम क्या हुआ हॉस्ट नहीं आई
ठीक है ना, और उसके बाद फौरन मैंने बोला आपको आना पड़ेगा सभी तो ये फौरन इसने नहीं देखा कि क्या शो है, क्या है, क्या करना है, क्या करना है, मैंने आ जाया। उसके बाद अली रजा साहब, काशिफ खान वो बाद में आए, लेकिन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस मरतबा फिर आप आएंगी 5 नवंबर को, आपका अपना शो है और ये वेनस्टी भी इसको रिकॉर्ड भी कर रहा है प्रोग्राम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर। और हमारी दुआ है कि ये कामयाबी की तरफ। अच्छा क्या सोच, ये जो मेरी पहचान पाकिस्तान और ये इसको प्रेजेंट करने का कोई ना कोई आपके दिल में होगा ना, कि किस तरह आपने सोचा? देखिए मेरा जो एक स्टाइल है वो टोटल कल्चर स्टाइल है, पाकिस्तान के जो सकाफती जो इलाके हैं उनको प्रमोट करना है, उनके कल्चर को प्रमोट करना है। और क्योंकि मैं डांसर हूँ तो मैं अपने अंदाज में करूँगा, लोग खाना शेफ है बड़े बड़े वो अपने स्टाइल में करते हैं, ठीक है ना, खाना उसी स्टाइल से बनाते हैं, कराची का क्या, सॉरी बलूचिस्तान का क्या है, पंजाब का क्या है, सिंध का क्या। तो मैं लाजिम बेसिकली आर्टिस्ट हूँ और डांस कोरियोग्राफर हूँ, तो मैंने इसमें कुछ जिद्दत की है, चाहे वो सिंधी डांस हो, पश्तो डांस हो, मारवाड़ी डांस हो, कश्मीरी डांस हो, तो ये मैं अक्सर 14 अगस्त के सिलसिले में आर्ट्स काउंसिल में करता रहता हूँ। और ये लॉन्ग टाइम से कर रहा हूँ, ये नहीं कि अभी से कर रहा हूँ, ये 85 से मैंने इस मिशन को जारी रखा हुआ। और इस वक्त दुनिया में जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ पाकिस्तान को प्रमोट, कल्चर को प्रमोट करता हूँ, तो उसमें ये कल्चर डांस मस्ट है और इसी की वजह से मैं जाना पहचाना जाता हूँ। और मेरी जो एक मुनफरिद जो मेरा एक जो आइटम है, जो फर्स्ट जो मैं स्टार्ट किया वो कैंडल योगा डांस, जिससे दुनिया में जानते हो, जो बालों का मेरा ये हिलाना, ये कोई भी नहीं कर सकता, ये जरा थोड़ा सा वर्ल्ड फेमस ये हिट है। क्या तो बात, इसको क्या देखते हुए फिर लाजमी है और चीजें मैं बनाते रहता हूँ, वो भी कल्चर में रहते हुए। अच्छा आपने पूरे पाकिस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में भी गोरों के साथ, गोरियों के साथ आपने किसी को नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने भी बड़ा आपके साथ नहीं हुआ किया कि पाकिस्तान से तो मैं तन्हा ही जाता हूँ वहाँ पर, या अगर कोई ग्रुप होता है तो उसका, लेकिन अक्सर मैंने देखा जब मैं तन्हा जाता हूँ मुझे एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज मिलता है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जाता हूँ तो एक्सपो लगता है, तो मेरे लिए एक स्टेज बना दिया जाता है, तो मैं उस पर मॉर्निंग में और नाइट में दो टाइम एक एक घंटा मुझे मिलता है। जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ जो गेस्ट आ रहे होते हैं तो लाजमी शॉपिंग के लिए आ रहे, तो उन जो म्यूजिक है हमारे पाकिस्तान का कल्चर, चाहे वो बलोची हो, सिंधी हो, वो फिर मैंने ड्रेस पहना होता है वही वाला, ये बच्ची ने जो पहना हुआ ड्रेस, तो वो स्टेज पर आ जाते हैं और इतना मस्त वो म्यूजिक होता है ना, वो नहीं देखते हैं कि उन्होंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, क्या फ्रॉकें पहनी हुई है, शॉर्ट जींस पहनी हुई है, और मैं अच्छा मुझे भी एक पार्टनर मिल जाता है वहाँ, ये जबरदस्त। ये भी बड़ी बात है कि वो आपको भी अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करता है, फॉरेन आपके साथ ज्वाइन हो जाते, वरना कहीं यार क्यों हम इनके साथ ज्वाइन कर, लेकिन आपके अंदर भी अट्रैक्शन है, आप लोगों को झूमने पे मजबूर करते हैं। अच्छा लगता है ऐसे जैसे मेरी कोई अंडरस्टैंडिंग सेटिंग है डांस की, है नहीं, वो भी मुझे फॉलो कर रही होती है लड़की डांस में, तो ये बड़ी बात है। अच्छा मेरी पहचान पाकिस्तान, हाँ। और मैं इसमें बहुत सारे नाम देख रही हूँ, यहाँ पर फहीम कुरैशी साहब मौजूद हैं, यहाँ पर जो है मशल अहमद शाह साहब हैं, इसको आप खोलेंगे और अली रजा साहब हैं, और इस वक्त काशिफ साहब हैं, और आप भी मौजूद हैं, फहीम साहब हैं, और नासिर हुसैन शाह साहब, और गुलाम मुर्तजा वहाब साहब की भी पिक्चर लगी हुई है, सईद गनी साहब की लगी हुई है, रहमतुल्ला शेख साहब की लगी हुई है, कल्चर में सरदार अली शाह साहब जबरदस्त साहब। मैं यही तो देख रही हूँ इतने सारे लोगों की, अपने माशाल्लाह नाजिर, अगर मैं अगर सॉरी टू से ये मेरे हाथ में एक, मेरे पे आ रहा है तो स्क्रीन देख लीजिए, और काफी इन्होंने जो है जबरदस्त जो है सोनू भट्ट साहब की हाईलाइट है तस्वीर, वाह जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा इन सबको आप कैसे मैनेज करोगे? मैनेज इसलिए करता, अच्छा ये भी अशरफ ताई साहब भी, अशरफ ताई साहब हाँ लेजेंड हमारे हैं, जिडो कराटे के जबरदस्त स्पोर्ट्स के हैं, इसमें एनजीओस के लोग हैं माशाल्लाह, हनीफ तैयब साहब है माशाल्लाह, और स्पेशली जो अमेरिका से आसिफ सलीम साहब, उनका अवार्ड है इसमें प्रोग्राम में, तो माशाल्लाह ये वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचते हैं और मजलूम गरीबों की हेल्प करते हैं, किसी भी मसले में कूद जाते हैं, चाहे सैलाब आ रहा हो कुछ भी, तो हमको इनको अप्रिशिएट करना चाहिए, हम कुछ तो और दे नहीं सकते, हम अपने शो में बुलाकर इनको ट्रिब्यूट दे सकते हैं। बहुत प्यारी बात कही है, और उनकी जिंदगी में अगर उनको अप्रिशिएट कर दिया जाए ना अमजन भाई, तो ये ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू जब वो दुनिया से चला जाए तो तब हम उसको अप्रिशिएट करें। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग जब दुनिया से चले जाते फिर उनके लिए डेडिकेट किया जाता है, मैं कहती हूँ दुनिया में उनको उनको रिगार्ड तो दे देना चाहिए, उनको अप्रिशिएट। अमजद भाई हमारे साथ हैं, अमजद भाई अपने इवेंट के सिलसिले मैं मजीद अपने नाजिन से कहता कि आपकी परफॉर्मेंस भी देख लें, ये नो कि एंड हमारा हो जो और आपकी परफॉर्मेंस रहे। बस मैं यही चाहूंगा कि आप लोग जरूर इस प्रोग्राम को अटेंड करें जो 5 नवंबर को आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में हो रहा है। इसमें बड़ी मेहनत करता हूं मैं कल्चर के हवाले से, इसमें स्कूल्स के बच्चे हैं माशाल्लाह, जो कौमी नगमों पर मेरे साथ जो है
आइटम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, माशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। और जो खास चीज है, जो अमेरिका में लास्ट टाइम जाता रहता हूँ, वहां से जो मैं वीडियोस बनाकर आया हूँ, और इंक्लूडली जो मेरी एक मनकबत है हजरत अली की शान में, वो भी मैं लॉन्चिंग कर रहा हूँ, अपने कुछ गानों की लॉन्चिंग कर रहा हूँ। और स्पेशली जो है सोनू भट्ट साहब और हमारे एमी शाह साहब, वो स्पेशली शो में पूरे ग्रुप के साथ 20-25 लोग आ रहे हैं अमेरिका से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स अमेरिका न्यूयॉर्क सिटी से आ रहे हैं, जो कि फनकारों को अप्रिशिएट करेंगे, उनको शीट पेश करेंगे। तो आप भी जरूर रहिएगा अपनी फैमिली के साथ, फ्री एंट्री है, कोई टिकट्स नहीं है इस प्रोग्राम का, जो 5 नवंबर को आर्ट्स काउंसिल में होने जा रहा है। पाकिस्तान मेरी पहचान, अमजद राना विद सोनू भट्ट इन एक्शन। मैं चाह रही थी ये ना कि आपके परफॉर्मेंस की तरफ जाए और आपका मेन मैसेज यहाँ रह जाए, थोड़ी सी इनसे भी। ये हमारे कल्चर आर्टिस्ट है, ये मेरे शो का ड्रेस ही पहना हुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इनसे वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस करवा रहे हैं? कल्चर में जो सिंधी एक हमारा एक वो है, सिंध का इलाका, हम भी सिंध में बैठे हुए इस वक्त, तो उसी में हम कुछ बच्चों के साथ, स्कूल्स के कुछ कमर्शियल आर्टिस्ट जो डांस ग्रुप्स है मेरे, अकरम सोनू, उनके साथ बड़ा अच्छा मैं परफॉर्म करूंगा इनके साथ इंशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। कैसा लग रहा है इनके साथ वर्किंग करना? बहुत मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि ये हमारे पाकिस्तान की आन बान और शान है। अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं अपने सीनियर्स के साथ हूँ, मेरी तो वाह वाह हो गई। सारी दुनिया मुझे देख रही है और मुझे क्या चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, आप खुद भी बहुत अच्छी सिंगर भी है, मॉडल है, एक्टर है, कहीं ड्रामे करती रहती है। सुन ले दो लाइन सिंधी, एक शेर सुना दे सिंधी, कोई अच्छा सा म्यूज अपनी आवाज में, जैसे सिंगिंग स्टाइल। जो हमारा जो कल्चर है ना, जो दूल्हा दुल्हन की जो रसूमात होती है, तो इसमें ये होता है कभी घोट कुमार बैठे हैं, जो अपना उताक सजी हुई है, अब किस तरीके से लौंग पोटा थालिया में आऊं खयो पै नचा, लौंग पोटा थालिया में आऊं खयो पै नचा, घोट मुंजी अग में आऊं नचंदी नचा, घोट मुंजी अग में आऊं नचंदी नचा, मिश्री मेवा ओ बाबा ओ बाबा, मिश्री मेवा थालिया में आऊं खयो पै नचा, मिश्री मेवा थालिया में आऊं खयो पै नचा, जफर मुंजी अग में आऊं नचंदी नचा, हम दूर से कहेंगे अच्छा जी जी कैसी हो रहा, ठीक ठाक हो ना? नहीं नहीं स्टेज पर मैंने कहा था मुझे आकर के दिखाओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है। और अमजद साहब का सॉन्ग कितनी देर का आपका? जो अमेरिका में 2-3 मिनट का, 2-3 मिनट का। आपका बेटा भी आपके साथ है? बड़ा पेपर चल रहे हैं, 5 को मेरे शो वाले दिन ही उसके पेपर है, लास्ट वरना मैं इसको लेकर आता, लेकिन रात को वो इजी है उस दिन, तो रात को आएगा। सॉन्ग रेडी कर दे प्लीज जल्दी से फटाफट, ये टाइम है जब। अच्छा जब मैं जब से करती हूँ आप रेडी हो जाए, मैं जरा इरज के पास। इरज, अपनी आने वाली जो यूथ है, जनरेशन है, उनको क्या मैसेज देंगे? सबसे पहली बात ये कि आप तालीम हासिल करें। ओके गुड, एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे किसी भी काम के लिए, कहीं भी हमारे लिए राहें हमवार कर सकती है। और सबसे पहले बाअदब बने, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अपने छोटों से, अपने बड़ों से अदब और एहतराम से बात करें। अच्छा मेरे अंदर क्या है कि मैं चाहे मेरे को सीनियर या जूनियर जो भी आर्टिस्ट हो, मैं खड़े होकर वेलकम करती हूँ, और इसी में हमारी बेहतरी और फलाह है, और हमारा मजहब भी हमें यही बताता है। तो आप अदर एक्टिविटीज को रहने दें, जो आपका मकसद है, जिस काम के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं उस पे नजर रखें, हिम्मत नहीं हारें। रास्ते में बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी रुकावटें, लेकिन बस अजम और हौसला होना चाहिए, मंजिल आपके सामने खड़ी है। ग्रेट सॉन्ग प्ले कर दें। और अमजद भाई बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग बीनो शो आपका और आपका। जी नाज़रीन, मैं चाहूंगी इजाजत, और आप स्पेशली एंड में देखेंगे अमजद राना मेरी पहचान पाकिस्तान, अमजद राना इन एक्शन। दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला, दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला, दीवाना कर डाला, मस्ताना कर डाला, तूने हसीना मुझ पे, तूने हसीना मुझ पे कैसा जादू कर डाला। दीवाना ओ हसीना, दीवाना कर डाला।
चेहरा है चांद जैसा, आंखों में तेरे जादू, चेहरा है चांद जैसा, आंखों में तेरे जादू, मोहब्बत का चांद डाल के मुझको किया है काबू, तेरे दम से रौनके है, तेरे दम से रौनके है, तेरे दम से है उजाला, दीवाना हो जाएगा, दीवाना मदहोश बनाती है, तेरी शराबी आंखें मदहोश बनाती है, दिन रात मुझको तू नजरों से पिलाती है, ऐसी नजर मिलाई, ऐसी नजर मिलाई, मेरा जाम तोड़ डाला, दीवाना हो बेबी, दीवाना मुझ